सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हाय, मेरा नाम है विश्वसेन। सुनने में कुछ अजीब सा लगता है ना, जमाने से कुछ हटके है ना, इसलिए अलग लग रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे मेरा यह नाम मेरे माँ बाप ने नहीं दिया है। माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए हैं। ये थे मेरे पापा। अरे नालायक, मेरी शराब के लिए पैसे कमा कर ला। तेरे पैदा होते ही मेरी जिंदगी में दरिद्रता छा गई। मनहूस कहीं का, मनहूस। रोए मत। पैदा होते ही मैं पापा के लिए बोझ बन गया तो फिर मैं अपने अच्छे नाम के लिए कैसे सोचता। मुझे ये नाम देने वाले हैं मेरे शंकर मास्टर। भगवान कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे। मुझे ये जीवन मिला है सिर्फ शंकर मास्टर जी की वजह से। उनके दिए हुए नाम से ही मेरी पहचान बनी। वो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। नमक बिना हर चीज बेस्वाद होती है। हर चीज में वो घुलकर भैंस चराने का काम छोड़कर मैं उनका पाठ सुनने जाया करता था। उनका पाठ सुनने के बाद मेरे मन में भी पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। वहीं से मेरी वर्णमाला की शुरुआत हुई। उनका पाठ सुनने मैं रोज वहां जाया करता था। और एक दिन मास्टर जी ने मुझे देख लिया। मेरी भैंस ही मेरे लिए ब्लैक बोर्ड थी। ए, यहां। तुम पढ़ना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, यानी तुम रोज छुप छुप कर देखते हो। मुझे कविता याद है। कौन सी कविता? नमक बिना हर चीज बेस्वाद होती है। हर चीज में वो घुलकर स्वाद का रस भर देता है। इंसान में वो इंसान महान होता है जो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। बहुत बढ़िया। तुम किसके बेटे हो? मैं सुबैया का बेटा हूँ। अच्छा, तुम शराबी सुबैया के बेटे हो। तुम्हारा नाम क्या है? मनहूस। मुझे सब ऐसे ही बुलाते हैं। बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छा नाम दूं? लेकिन एक अच्छा नाम पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। करोगे ना? तो फिर कहो, विश्वसेन बनकर दिखाऊं मैं इस जमाने को एक दिन? मजाक उड़ाने वालों को बता दूं, विश्वसेन बन के दिखाऊं मैं इस जमाने को एक दिन? मजाक उड़ाने वालों को बता दूं। शाबाश बेटा, तुमने अभी कहा ना विश्वसेन बनकर दिखाऊंगा, तो आज से तुम्हारा नाम होगा विश्वसेन। समझ गए ना? चलो आओ। हाँ बच्चों, थोड़ी जगह बनाओ। हाँ हटो। और हाँ, वहीं से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। पहली बार मैं क्लासरूम में बैठा था। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। आज से ये बच्चा, उसी दिन मास्टर जी ने मेरे पापा को बुलाकर उन्हें समझाया। काम तुम करोगे। और मेरे पापा ने डर कर उनकी बात मान ली। मास्टर जी से मिले कपड़े और किताबें पाकर मैं बहुत खुश हो गया। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, स्कूल छूटने के बाद भी वो मेरे ऊपर खास ध्यान देते थे। जो नहीं सीखा था वो सिखाते थे, जीने की सही राह दिखाते, बहुत सी ज्ञान की बातें वो मुझे बताते थे। उनके मना करने के बाद भी मैं उनकी सेवा करता था। बस और कितनी सेवा करोगे? मास्टर जी, सुबैया शराबी का देहांत हो गया। मेरे पापा चल बसे। उसी दिन मैं पूरी तरह से अनाथ हो गया, लेकिन मास्टर जी ने मुझे यह एहसास होने नहीं दिया। ए, ये काम तुम क्यों कर रहे हो? गौरी, बच्चे से काम करवा रही हो? अपनी मर्जी से कर रहा है। उसके बाद मास्टर जी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला।
मुझे मेरे माता और पिता दोनों का प्यार दिया। मैं अपना प्राइमरी एजुकेशन खत्म करने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर कुडूर हाई स्कूल में भर्ती हो गया। X is equal to 143। वहां भी मैंने सभी शिक्षकों का दिल जीत लिया। शाबाश, तुम बहुत होनहार हो। इसे देखकर आप लोग भी सबक लीजिए। जाओ बैठ जाओ बेटा। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। कोई समझे या ना समझे, मेरे टीचर समझते हैं यही बहुत है कि मैं होनहार हूं। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, अगस्त 15 स्वतंत्रता दिवस। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है जुलाई 16। मेरा जन्मदिन नहीं है। उस दिन मेरी अपनी जिंदगी से मुलाकात हुई थी श्वेता। श्वेता 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 उस दिन मैं स्कूल के नोटिस बोर्ड पर स्कूल के प्रोग्राम के बारे में लिख रहा था। मैं हेडमास्टर से मिलकर आता हूं। ओके। हेलो हेलो श्वेता। गुड मॉर्निंग मैम। आओ बेटा। श्वेता के पिताजी का कनाडा में बहुत बड़ा बिजनेस था और श्वेता भी वहीं पली बढ़ी थी। उसकी मां यहां गांव में रहती है, इसलिए वो अपने मां से मिलने के बहाने गांव चली आई और उसके बाद वो हमारे स्कूल में जॉइन हो गई। अमेरिका भी कनाडा में है क्या? नहीं, कनाडा अमेरिका का एक हिस्सा है। इस वक्त कनाडा में क्या टाइम हुआ होगा? इस वक्त रात के 8 बज रहे होंगे। तुम्हारा मनपसंद हीरो कौन है? सिल्वेस्टलोन। मेरा मनपसंद हीरो सुपरस्टार अमिताभ जी हैं। और श्वेता हंस पड़ी। वो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। I waited in the morning. I waited in the morning. And I waited in the night. And I waited in the night. श्वेता को सभी पसंद करते थे। जब लड़कियों का ये हाल था तो फिर लड़कों का क्या हाल होगा? हर कोई उसे इंप्रेस करने में लगा रहता था। जनाब का स्टाइल तो देखिए। सभी लड़के अपना टैलेंट दिखाते थे। और बढ़ाई मारने में कोई पीछे नहीं रहता। सिगरेट की एक गस में कितना मजा आया तुम्हें पता है क्या? नालायक सिगरेट पीता है। इतनी खूबसूरत श्वेता मेरी दोस्त बन जाती तो कितना अच्छा होता, यही मैं अक्सर सोचता रहता था। वो मेरी हो जाती, मेरी दोस्त बन जाती तो मुझे कितनी खुशी मिलती। श्वेता को तुम बहुत पसंद करते हो क्या? ये पकौड़े खाओ और मुझसे दोस्ती कर लो। मैं रोज देखता हूँ कि तुम उसे किस तरह देखते हो। ये पकौड़ी देखे फ्रेंडशिप हो जाएगी क्या? होगी, खाओ। मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी। मेरा नाम जाकिर है, मैं 9th में पढ़ता हूँ। उस दिन से जाकिर मेरा अच्छा दोस्त बन गया। हर दिन वो जो कुछ भी लाता वो मुझसे शेयर करता था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने मेरी बात श्वेता तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की। और एक दिन, श्वेता तुम हमारे घर कब आओगे? अरे यार वक्त तो मिलने दे। आऊंगी आऊंगी कहती हो लेकिन आती नहीं। इस संडे में जरूर आऊंगी। आओगी ना? प्रॉमिस, आई बी देयर। ए, ये विदेशी बटर कितनी मस्त है। क्या बोला? अबे क्यों बोला तू? तू चुटता दे। तेरी कौन है? उसने इसे क्यों मारा? उसने तुम्हें बटर कह के बुलाया ना, इसलिए झगड़ा हुआ। क्यों? बटर कहना बुरा है क्या? एप्पल कहेंगे तो चलेगा क्या?
मुझे कोई कुछ भी कहेगा तो तुम लड़ोगे? लड़ूंगा। फ्रेंड्स श्योर बाय। बचपन प्यारा होता सबसे मेरे यारा, बचपन की यारी होती है निर्मल धारा। बचपन प्यारा होता सबसे मेरे यारा, बचपन की यारी होती है निर्मल धारा। मिल के देखो दो अनजाने, रहते दुनिया से बेगाने। होती आँखों ही आँखों में हर बातें, देखो जुड़ जाते अनजाने से नाते। बचपन प्यारा होता सबसे मेरे यारा, बचपन की यारी होती है निर्मल धारा। भूख लगे ना प्यास लगे सब भूल जाना, बचपन का हर खेल बड़ा है सुहाना। बिन मौसम के सावन जैसी होती है बचपन की दोस्ती, हर बातों से ये पल है अनजाना। मस्ती की शरारतों की घड़ियां ये मोहब्बतों की, जिंदगी का यही है खजाना। हंसी का बहाना होता ये जमाना, बचपन का हर किस्सा हर गम से है बेगाना। ये तो बन के हवा लहराते, होके बेफिक्र ये तो है मुस्काते। बचपन प्यारा होता सबसे मेरे यारा, बचपन की यारी होती है निर्मल धारा। ये सोचे ना कभी भी कल क्या होगा, पर होगा जो कुछ भी अच्छा होगा। रब का अनोखा तोहफा दोस्ती का ये भरोसा, सब रिश्तों से बड़ा है। ना सरहद ना सीमा बांध सके कोई ना, दोस्ती का ये रिश्ता कुदरत का है करिश्मा। सारे सुख दुख ये मिलके ही बाटें, छोटे छोटे पलों को भी ये जीते। बचपन प्यारा होता सबसे मेरे यारा, बचपन की यारी होती है निर्मल धारा। उसका चेहरा हमेशा खुशी से दमकता रहता था। प्यारी श्वेता, मुझे अफसोस तब हुआ जब वो कनाडा वापस चली गई। वो अपनी माँ को साथ में लेकर कितने आराम से चली गई। बाय विश्वा, तुम अपना ख्याल रखना। चले बेटा, अब जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, चलती हूँ विश्व। साकिर को हेलो कहना। फ्रेंड्स
श्वेता तो चली गई, लेकिन आज भी मेरे दिल में उसकी यादें ताजा हैं। उसकी यादों के सहारे ही मैंने अपनी 8th क्लास पास कर ली। 8th क्लास में मैं फर्स्ट रैंक से पास हुआ। हमारे मास्टर जी को बहुत खुशी हुई, लेकिन वो खुशी मेरी जिंदगी में ज्यादा दिन साथ नहीं रह पाई। मास्टर जी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। विश्व, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम्हें ये लड़ाई अब लड़ते ही जाना है, चाहे कोई साथ दे या न दे। कुछ दिनों के बाद मास्टर जी भी चल बसे। माँ, बाप, गुरु और भगवान, मास्टर जी ही मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे जीने की एक सही राह दिखाकर वो इस दुनिया से नाता तोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप के जरिए कर्नल केवीआर कॉलेज में सीट मिल गई। अलग लोग, अलग तरह का माहौल। क्या बात है, पहले क्यों नहीं बताया? लेटेस्ट बैच में आया है क्या? वाकई। अपना हुलिया देखकर मुझे ही शर्म आ रही थी। या तो मैं गलत हूं या फिर यहां का माहौल ही गलत है। सब कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था। क्या देख रहा है, पिएगा क्या? ठंडा पीकर मुझे बहुत मजा आया था। यह है बालाजी। इसके पिताजी की मेन रोड पे कपड़े की दुकान है। ये भी अपने पिताजी की तरह दानी किस्म का इंसान है। कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता था। इस लड़की का नाम है महालक्ष्मी, मेरी क्लासमेट थी। बालाजी इसे बहुत चाहता था। किसी भी तरह बस एक बार उसे आई लव यू कह दूं, वो इसी कोशिश में लगा रहता था। लेकिन वो तेरी तरफ मुड़कर देखती भी नहीं। ये क्या पागलपन है तेरा, चल। उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। स्कूल में श्वेता को आई लव यू ना बोलकर मैंने जो गलती की थी, मुझे उसका एहसास हुआ। बेचारा, हर बार वो नाकाम ही रहता था। महालक्ष्मी को तुम चाहते हो? चाहता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं उससे बात करके तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगा। सच में? कैसे? लक्ष्मी, क्या बात है? मेरी बातों पे तुम सवाल नहीं करोगी? ऐसा क्यों? बालाजी के लिए। इससे बालाजी का क्या लेना देना? तुम्हें देखकर एक लड़के ने सीटी बजाई तो उससे लड़ पड़ा, और फिर उसने तुम्हारे बारे में गलत सलत कहा तो उसने मारा। फिल्म देखने गई थी, वहाँ कुछ हुआ था क्या? हाँ, कुछ हुआ था। वहाँ भी किसी ने कुछ कहा तो उसने मारा। ये तो नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देख रही थी। लफड़ा इतना बढ़ गया कि उस पर तो पुलिस केस हो गया है। छोड़ो, तुम उससे जाकर बोल दो कि वो दोबारा तुम्हारे लफड़े में ना पड़े। वो ऐसा क्यों कर रहा है? करेगा क्यों नहीं, तुमसे बहुत प्यार करता है वो। तो उससे जाकर बोल दो, वरना बर्बाद हो जाएगा। और तब वो जाकर मान गई। उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक मिनट, ये रख ले यार, काम आएंगे। अरे, अरे, क्यों दे रहा है? काम आएंगे, ले ले, थैंक्स। अरे सुन तो, अबे तेरी तो कमाई हो गई। तू इसी तरह दिमाग का इस्तेमाल करेगा ना तो लाखों कमाएगा। कीप इट अप। दो दिलों को मिलाने के बदले में इनाम के रूप में मुझे पैसा कमाने का एक रास्ता मिल गया। रास्ता सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, बस मैं करता गया। पैसे आते ही मैंने जूते और कपड़े खरीद लिए और मेरा जीने का ढंग ही बदल गया। उस दिन मुझे पता चला कि पैसे की क्या अहमियत होती है। सुरेंद्र का केस भी मैंने उसी तरह से निपटाया। मुबारक और प्रसाद की भी सेटिंग मैंने इसी तरह से कर दी। फिर मैं अपने कॉलेज के छात्र संघ का प्रेसिडेंट बन गया। बहुतों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता गया और धीरे धीरे अपने सिद्धांतों से फिसलता गया। कहते हैं कि हर चीज की एक हद होती है।
1 plus 1 is equal to 2, 2 plus 2 is equal to 4, 4 plus 4 is equal to... आप जानते हैं, जिंदगी भी इसी तरह का कैलकुलेशन है, दिल का इमोशन भी एक कैलकुलेशन है। हर इमोशन को स्टडी करके कैलकुलेशन करेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। यही मैंने जिंदगी में सीखा है। MBA तो मैंने पूरा किया, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे काफी पापड़ बेलने पड़े, वक्त ने पापड़ बिलवाए। जिंदगी अब भी मुझसे बहुत दूर है क्योंकि मेरी श्वेता अब तक मुझे नहीं मिली। कहां होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी? शायद उसने मेरी दोस्ती को भी सपनों की तरह भुला दिया होगा। Am I in love? Yes, I am in love. Madly in love. मेरी आंखों में वो इस तरह बसी है कि मैं उसे रोज देखता रहता हूं। श्वेता, श्वेता तेरी आंखों से बहुत दूर है मेरे भाई। तुम्हारा प्याल श्वेता ही है, वो एक दिन जलूल तुझे मिलेगी। तू मुंह धो ले, मैं काफी लेकर आता हूं। ये मेरे चेहरे से मेरे दिल की भावनाओं को पढ़ लेता है। जी हाँ, ये मेरे बचपन का वही दोस्त है जाकिर, सारा घर संभाल लेता है। वैसे ये हर काम में बहुत एक्सपर्ट है, मुझे कुछ करने ही नहीं देता, हर काम ये खुद अपने हाथों से ही कर लेता है। मेरा दोस्त अब हीलो बनेगा। मैं कपड़ा प्लेस करके लाया, ये ले यार कपड़े पहन ले। थैंक्स यार, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, ये नौकरी जलूल तुझे ही मिलेगी। ये बाजी दूसरा कोई मार ही नहीं सकता क्योंकि मैंने सारा बैकग्राउंड पहले ही निकाल लिया है। हेलो, ये है श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ कंपनी के रिक्रूटिंग ऑफिसर के कृष्णमूर्ति, के फॉर काली जुबान वाला। हेलो सर, मेरा नाम फाइल में मेंशन है, बैठ जाओ। विश्वसेन हो, ये कौन थे जानते हो? जानता हूँ सर, विष्णुमूर्ति महाराज के सेनापति। इतनी महान हस्ती का नाम तुमने रख लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी वही हाल है सर, जब मुझे इतनी महान हस्ती का नाम मिला है तो फक्र तो होगा ही ना सर। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, दुनिया की कई महान हस्तियों के नाम लोगों ने रखे हैं, पता है ना? पता है सर। तुम्हें कैसे पता है? रविंद्र नाट्य मंदिर में मैं अक्सर प्रोग्राम देखने जाता हूँ। कलाकारों के लिए तो आप एक मार्गदर्शक हैं, नाटक का आप एक अभिन्न अंग हैं। बेवकूफ बना रहे हो। नवंबर 1st डे सर, उस दिन के प्रोग्राम में आपने जो कला दिखाई तब से मैं आपका फैन हो गया हूँ। किस पात्र का? हरिश्चंद्र नाटक के पात्र में सर, वो सच्चाई, ईमान। ईमानदारी भी नहीं, सच्चाई भी नहीं, वाराणसी भक्तों के लिए पवित्र स्थान है वाराणसी, जहाँ गंगा जी बहती है वो वाराणसी, शिव के त्रिशूल पर बसा है वाराणसी, अद्भुत पवित्र, जहाँ मुक्ति मिलती है वो वाराणसी। वाह, सुनकर तो मैं धन्य हो गया सर। और सुनो, इतना ही नहीं, जब मैंने श्री कृष्ण का पात्र किया था तो तुम देखते तो। आपने श्री कृष्ण का पात्र भी किया है सर? किया है मतलब, जब मैं श्री कृष्ण का पात्र करता था तो स्वयं ब्रह्मा जी स्वर्ग से धरती पर उतर आते थे। अच्छा। हाँ, जब मैं श्री कृष्ण का पात्र करने के लिए स्टेज पर उतरता था, दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, सारे कलाकार मुझे देखते ही रह जाते थे। सचमुच सर? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, सैंपल करके दिखाऊं? ये पकड़ो, द्रौपदी का चीरहरण, भीम की ललकार, अरे दुर्योधन। सर, बुलाया क्या सर? दिखता नहीं क्या? इंटरव्यू चल रहा है, बीच में डिस्टर्ब मत कर। भीम का आग्रह, ऐ दुष्ट, तूने कंस मामा का सहारा लेकर हमारे साम्राज्य को हड़प लिया है, तब भी हमने कुछ नहीं कहा, तू हर चाल में कामयाब होते गया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जो कर रहे हो। सर, पानी पी लीजिए सर। अद्भुत, आप तो महान हैं, आपको कला से कितना प्यार है इसका एहसास मुझे अब हुआ। कला से ही नहीं, जिंदगी से भी प्यार है। बैठ जाइए सर। सर, कभी आपने हास्य पात्र करने की कोशिश की है? मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, इसीलिए नहीं करता। ओह हाँ, मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो, इंटरव्यू तो लिया ही नहीं? सर, फ्रैंकली एक बात कहूँ आपसे। क्या है? आप जैसी महान हस्ती मुझ जैसे गरीब का
इंटरव्यू ले तब भी मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एमबीए किया है सर। मुझसे भी टैलेंटेड लोग बाहर बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं सर, इसलिए मैं चलता हूँ। रुको, यहाँ इंटरव्यू कौन ले रहा है? आप सर। इस कंपनी ने यह जिम्मेदारी तुम्हें दी है या मुझे? आपको सर। गिव मी द फाइल। यू आर सिलेक्टेड। सर बाहर और भी लोग हैं। मुझे किसी का इंटरव्यू नहीं लेना। इस कंपनी में जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट देख लिए हैं, तुम्हारी काबिलियत देख ली है, तुम सेलेक्टेड हो। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। वन मिनट। बाहर चित्रंजन जी हमारे जनरल मैनेजर हैं। चित्रंजन जी को हुजूरे बंगाल का टाइटल दिया गया है। वो पक्का लोफर है, बदतमीज है, उससे हमेशा बचकर रहना। मैं जरा हल्का होकर आता हूँ, कोई आया तो कहना मेरा वेट कर ले। ये इसकी आदत है। मैडम कॉफी। थैंक यू। आप कौन? मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट हुआ हूँ। नमस्कार सर। मेरा नाम अपू राम है, ऑफिस बॉय हूँ। ओके, जीएम का ऑफिस कहाँ है? चलिए ना सर, आइए। वैसे अपने ऑफिस में नहीं है सर, चेयरमैन से मिलने गए हैं। ओहो, सुनिए सर, चेयरमैन से मिलने नहीं गए बल्कि किसी से भी मिलने नहीं गए हैं, वो तो बाथरूम में बैठकर दम लगा रहे हैं सर। ऐसा क्यों? चेयरमैन को ये बात पता नहीं? कैसे पता चलेगी, 12 बजे से पहले तो आते ही नहीं है ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, आजकल किसी परेशानी की वजह से वक्त से पहले ही आ जाते हैं सर। बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है ये महाशय। सर आप यहाँ बैठिए ना, वो बाथरूम से आ जाएंगे तो मैं आपको बुला लूंगा। ओके ओके सर। अप्पू सर, ये क्या है सर? ऑफिस के बारे में जो जानकारी दी इसीलिए ये दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप यहाँ पर बैठिए सर, जैसे ही आएंगे मैं आपको बुला लूंगा। ओके सर। सबकी सीक्रेट्स पता चल ही जाती हैं, लेकिन मेरी सीक्रेट्स के बारे में, इसलिए ये आइडिया। हेलो, सॉरी। इट्स ओके, मुझे लगा जीएम आए। जी हाँ, मैं अभी भी यहाँ अपॉइंट हुआ हूँ, असिस्टेंट मैनेजर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विश्वसिन। मे आई नो योर लवली नेम? रम्या। नाइस। रम्या जी, 32,000 प्लस 2,000 प्लस 725 प्लस 336 इज इक्वल टू 35,061, नॉट 34,032। वाओ, बिल्कुल सही है। रम्या जी, अगर स्वीट खाएंगी तो आपकी डाइट टूट जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? स्वीट्स। ओके, एक और ले लूं क्या? श्योर। थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, नए आए हुए असिस्टेंट मैनेजर हो क्या? मैं कैशियर हूँ, सैलरी लेने के लिए तुम मेरे पास ही आओगे? प्लीज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स सर। जीएम साहब आ गए हैं बाथरूम से ना। अरे बापरे, आपको तो सब कुछ याद है सर। ये लो, मुंह मीठा करो। नहीं नहीं दीदी, बात को समझा करो, मैं एंगेजमेंट सेरेमनी में नहीं आ सकता, मेरे सर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी पता है? चेयरमैन साहब को मेरे बिना टेबल पे पेन तक नहीं मिलता है। और सुनो, शादी की तारीख कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के अभी से तय कर लो। हाँ, ओके, फोन रखता हूँ। हाँ, हाँ। बाप रे, मुझ पर कितनी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभाते निभाते शायद मैं शादी में भी ना जा पाऊँ। जो टैलेंटेड होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बहुत होती है सर। अरे सर, ये कोई मजाक वाली बात थोड़ी ही है, इतने बड़े ऑफिस को संभालना, इतने लोगों को मैनेज करना, कौन क्या सोचता है क्या कहता है ये एनालाइज करना, ये काम इतना आसान नहीं है सर। करेक्ट, कितने लोगों को संभालना पड़ता है। जी हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम आ गए हो, तब तुम्हारे आने से मेरा काम कितना हल्का हो जाएगा। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, तुम मेरी कैलकुलेशन में एकदम फिट बैठते हो। सर क्या है? आपके सिगरेट का पैकेट सर, आप बाथरूम में भूल कर आ गए थे। नहीं, मैं बाथरूम में कुछ नहीं भूला। आप भूले थे सर, है? जब आप चेयरमैन का बहाना करके दम लगाने के लिए बाथरूम में गए थे सर, वहाँ पर भूल गए थे सर। हाँ, भूल गया हूँ, अब तुम जाओ। ठीक है ठीक है, जाओ 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 भी, जाओ भाई। हाँ सर। हाँ, हम लोग काबिलियत के बारे में बात कर रहे थे ना। जी हाँ सर। यहाँ पर मेरा एक विरोधी है, ओवर सिंसियर, मेरे बारे में उससे कोई कुछ कहता है तो वो बात करना ही बंद कर देता है। आप भी कुछ कम नहीं है स्वामी भक्ति भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुनो विश्व, वो अपने नौटंकी के बारे में कुछ कहा क्या? कौन सर? वही और कौन, जिससे तुम मुझसे पहले मिले थे। अपने आप को बहुत बड़ा तोपची समझता है वो। मैं यहाँ बैठ के ईमानदारी से नौकरी करता रहता हूँ और उसे वहाँ बैठ के जलन होती।
तलवार उठाने की हिम्मत नहीं है और खुद को छत्रपति शिवाजी मानता है वो। सिली फेलो, सिली फेलो। हम दोनों सांप देवले के चक्कर में, तुम बेकार के झंझट में मत फंसो। जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ जाओ। ओके, ये हैं हमारे चेयरमैन जी, मिस्टर कृष्णा साहब। ही इज अ ब्रिलियंट मैन, सेल्फ मेड, व्हाट अ स्टाइल, व्हाट अ फिगर, सच में तारीफ के लायक। मुझे भी इस इंसान से बहुत उम्मीद है। इनके मार्गदर्शन में चलकर ही मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज के बारे में मैंने रिसर्च की है सर। इनमें सबसे बेहतर आपकी ही कंपनी है। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, इसे मेरे केबिन में रख दो, मैं देख लूंगा। इस ऑफिस में कितना सुकून है, कितना प्रोफेशनल है, सुख है, शांति है। मेरी जिंदगी की रफ्तार तो यहीं से शुरू होगी। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जैसे ये दुनिया गोल है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने इस ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। रूटीन पर मैं रमिया को हेल्प कर रहा था। एंड ब्रैकेट में जाओ तो पूरा काम वॉकआउट हो जाता है। थैंक यू विशु। क्या बात है, आज ऑफिस में काफी चहल पहल है। तुम्हें पता है क्या, आज हमारी चेयरमैन जी आ रही हैं। इसलिए इतनी चहल पहल हो रही है। वो भी साहब की तरह रहमदिल है क्या जी? बोलो ना रमिया। चलो चलो मैडम आ गई, मैडम आ गई। कोडूर हाई स्कूल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वर्ल्ड इज सच अ स्मॉल प्लेस। डू यू वर्क हियर? यस। दैट्स फैबुलस। वी आर स्कूलमेट्स, बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तुम यही रहते हो? यही रहता हूँ श्वेता। ओके तो ठीक है, मैं डैड से मिलकर आती हूँ। ओके ओके, सी यू ऑल, बाय। वो तुम्हारी क्लासमेट है? हाँ सर। कब थी वो? जब छोटी थी। हम सबको इतना बड़ा झटका दे दिया। That's what I'm thinking, Dad. ऐसा होता है बेटा। उन्हें हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर में। Hi, Vishu. Come, come. घबराने की जरूरत नहीं है। सॉरी, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। गुड। डैडी, आपको पता है विशु मेरा स्कूलमेट है। स्कूलमेट? कहाँ पर? कुडूर में। बचपन में जब मैं मम्मी से मिलने गई थी, तब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था वहीं पर। ओह। हम लोग दोनों दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ की बेस्ट 30 कंपनियों का रिसर्च करने वाला महाशय यही है भाई। कीप इट अप। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हरी जी, कहिए कहिए। हाँ हाँ, हो जाएगा। यस यस, वो ठीक है, कनाडा से आज ही आई। सो लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। शादी कर ली? अभी नहीं की। क्यों क्यों नहीं की शादी?
तुम्हारे सिवा किसी और से शादी कैसे करता? हेलो। बस यूं ही नहीं की। सोचो तो एक मजाक सा लग रहा है ना? अच्छा, बचपन में तुम्हें कुत्ते ने काटा था ना? राइट हैंड में काटा था? हाँ, राइट हैंड में काटा था। दाग तो नहीं है? जाकिर भैया कैसे हैं? वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ ही रहता है। अभी भी वो पकौड़े बनाते हैं क्या? वो एक्सपर्ट कुक बन गया है। मुझे उनसे भी मिलना है। ओके। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उस दिन हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। श्वेता ढेर सारे सवाल पूछती रही। अपना है कोई सीमा मेरी खुशियों की यारा, जी चाहे तुझे देखूं अब यूं ही हर लम्हा, रब ये करे। यार जाकिर, मेरा प्यार सक्सेस तो हो जाएगा ना? ऊपर वाले ने फिर से तुम दोनों को मिला दिया है, तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी। अचानक हम दोनों की मुलाकात हुई थी, वही मुलाकात आज प्यार में बदल गई है। ये बात मैं उसे कैसे बताऊं? हर बार सोचता हूं लेकिन नाकाम रहता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विश्वसेन। आप यहाँ कैसे सर? चेयरमैन साहब ने बुलाया था इसीलिए आया। किस लिए सर? हमारी श्वेता मैडम नई दवा की कंपनी शुरू करने जा रही है, उस प्रोजेक्ट का काम देखने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट करना है, इसीलिए चेयरमैन साहब ने बुलाया था। वेरी गुड सर। काहे का वेरी गुड, भाड़ में गया गुड। मैं जिस किसी को भी सेलेक्ट करता हूँ ना, ये हावड़ा का चितरंजन हुजूर, उसकी कोई ना कोई गलती निकाल कर उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है, वो भी पूरी कमेटी बोर्ड और ऑफिस के स्टाफ के सामने। आज फिर मुझे सेलेक्ट करना है। अच्छा ये बताओ विश्वसेन, एचआर मैनेजर मैं हूँ कि नहीं? अब जिसके अंदर टैलेंट है उसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, इस ऑफिस के हर एक स्टाफ को मैंने ही सेलेक्ट किया, इंक्लूडिंग यू। जी हाँ सर। चाहो तो इनसे पूछ लो, क्यों भाई तुम सब लोगों को मैंने ही सेलेक्ट किया ना? हाँ सर। फिर हमारे जीएम साहब पूरी रामायण सुनने के बाद ये क्यों पूछते हैं सीता कौन है? ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर चीज की अच्छे से छानबीन की जाए। मेरे काम से आपके पेट में दर्द क्यों होता है मिस्टर मूर्ति? तुम्हारा गुरूर तुम्हें हद से बाहर ले जा रहा है मिस्टर जीएम। बातों की बौछार करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी आता है। क्या ये शिवाजी स्टाइल? मैं सिर्फ दो ही सिद्धांतों पर जिंदगी जीता हूँ। पहला सिद्धांत, जो भी काम करो उसे पूरी लगन से करते जाओ, और दूसरा, जो कोई भी भौंके उसके ऊपर इतना भौंको कि उसका भौंकना बंद हो जाए। एक बात सुन लो, अब चुपचाप भौंकना बंद करोगे या काले गाल लाल करने हैं चिरंजन? ये भी प्यार करने का एक अजीब अंदाज है, क्यों ना इसका फायदा मैं ही उठाऊं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट भी मैं ही हासिल कर लूं। छे 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 छे, दिमाग सड़ा दिया फालतू बकवास करके। चाय सर? तो ही पी ले। सर 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 सर, क्या सर आप ऐसे लड़ते क्यों हैं? सुनो,
तुम फ्लैट की चाबी ले लो, अगर उस जीएम की बात सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग भी सड़ जाएगा। ऐसा क्या हो गया सर? होना क्या है, मैं आम कहता हूँ तू इमली कहता है, इमली कहता हूँ तू आम कहता है, ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट ही नहीं होगा। सर सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक वादा कीजिए। क्या कहना है? आप मुझे अपने नाटक का परफॉर्मेंस पूरे कॉस्ट्यूम के साथ दिखाएंगे? हाँ, मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि फोन उठाने का टाइम नहीं निकाल पाता। निकालनी पड़ेगी सर, मैंने भी जब आपको फोन किया था तभी आपकी लाइन बिजी आ रही थी सर। बिजी था नाटक के लिए? नेवर। तुम एक काम करो, 5:30 बजे मेरे घर आ जाओ, ब्रेकफास्ट हम लोग दोनों साथ करेंगे। आज तुम्हें सूर्यवंशी का रोल करके दिखाऊंगा। सुना है कि दिमाग से बड़ा जिन भी बोतल में उतर जाता है। मेरे फर्स्ट ड्रामे की शुरुआत भी इनके ड्रामे से ही होगी, हर कदम अपने हिसाब से। गुड मॉर्निंग सर। हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है यार, ये सब तो एक दिखावा है, नौटंकी है बिल्कुल फिल्मों की तरह। फोन पे भी हमारा लफड़ा चलता रहता है, रात भर बात करते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। चेयरमैन से शिकायत करने वाला, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप दोनों की कहानी सुनने से ऑफिस में देर हो गई, ऐसा जवाब देना पड़ेगा। अच्छा क्या है सर? कौवे ने बीट कर दिया, टकले को ढक के चला। आपको हमेशा मजाक सूझता है। श्वेता श्वेता मेरी बात तो सुनो, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए मुझे सेलेक्ट मत करना। किस लिए ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। श्वेता हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए सेलेक्ट मत करना, किसी और को सेलेक्ट कर लो, इट्स ओके। लेकिन तुम ऐसा ही करना शैलजा, नो प्रॉब्लम। हाँ ऐसा ही शैलजा। हाँ मैं फोन करता हूँ, ओके। वो मेरी फ्रेंड थी शैलजा। शैलजा फिल्म जाने के लिए फोर्स कर रही थी। क्या बात है सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी बातों का महाशय पर क्या असर पड़ा है आप खुद ही देख लीजिए। फर्स्ट मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था, सिर्फ दिखावा था। शैलजा, मेरी चाल बिल्कुल सही जा रही थी। फोन पर मालिक की बेटी श्वेता थी। मेरे बारे में सोचने के लिए वो मजबूर हो गया। ट्यूबलाइट चल पड़ी रॉन्ग साइड से। अभी फ्लैश कट्स देखिए। हे, अ गिफ्ट फॉर यू। विशु, कम कम, चलो गाड़ी में चलते हैं। ओके। ए, पीछे बैठो। ओके। अपनी फ्रेंडशिप को मैंने एक रोमांटिक जोड़ी की तरह पेश किया। 1+1 बहुत ही बड़ा झटका दिया। अब फिल्मी सीन उनके दिमाग में घूम रहा है, वो हम दोनों को ख्यालों में फिल्मी सीन की तरह देख रहे होंगे। श्वेता श्वेता श्वेता, मेरी बातों को तुम समझने की कोशिश करो। अब सोचने के लिए रह ही क्या गया है विशु, हम बचपन से ही खेलते कूदते नाचते गाते आए हैं, वो तब की बात थी, पर अब बात कुछ और है। श्वेता तुम मुझे मुसीबत में डाल रही हो, तुम्हारे मेरे बीच बहुत बड़ा अंतर है और दूरियां भी। उस अंतर को दूर करने के लिए ही मैं तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। अरे श्वेता। और अब फैसले की घड़ी। शराब के नशे में भी उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी उस दिन उन्हें मिली थी। उसके बाद वो अंतरात्मा से चर्चा करने लगे। अरे चित्रंजन, इस मामले में सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। किस मामले में? वो जो तुम इस वक्त सोच रहे हो। किस लिए? लड़की का बाप इस कंपनी का चेयरमैन है, इससे तुम्हें ही फायदा होगा। दो दिमागों के बीच में वो यही सोच रहे थे कि इस राज की बात का मैं कैसे फायदा उठाऊं। और आखिरकार उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट मुझे देने का फैसला किया। विश्वसेन, मैंने एक फैसला किया है। बोलिए सर। प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। उस काम को संभालने के लिए मेरी नजर में एक ही काबिल आदमी है। ग्राफिया? श्रीनिवास? जेम्स? या अपने सेक्रेटरी? तुम हो। मैं? मुझे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। मेरा या खुद का? ये बात तुम आज नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। तुम अपने आप को नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते। मुझे जानते हो? तुम अभी नहीं समझ पाओगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ये मेरा फैसला है, इस बारे में अब तुम गहराई से सोचना। ओह, टाइम हो गया है, चेयरमैन साहब से मिलना है भाई। सर सिगरेट।
हमारे जीएम सच में बहुत ही गहराई से सोचते हैं। फर्स्ट विकेट तो डाउन, अब दूसरा विकेट हमारे बोल बच्चन कृष्णमूर्ति। अब हो जाए एक नाटक का प्रदर्शन, तो चलिए देखते हैं। आओ आओ विश्वसेन, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक मिनट, हाँ स्वीट लीजिए, आशीर्वाद दीजिए सर। ये बात है, नाटक शुरू करना है। सुना है आपने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अपॉइंट किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर? कौन सा प्रोजेक्ट, कैसा मैनेजर? वही सर, श्वेता जो शुरू करने जा रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर। आपने मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है, ये पता चलते ही चित्तरंजन जी ने मुझे उस पोस्ट के लिए आपसे पहले सिलेक्ट करके अनाउंसमेंट भी कर दी है सर। ऑफिस में सब यही बात कर रहे हैं सर। ओहो, आप दोनों में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है न सर। लेकिन मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जब आप कहेंगे तभी मैं इस पोस्ट को स्वीकार करूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा? हाँ। शिट, मैं भी कितना बदकिस्मत हूँ। ऑफिस में ये बात सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हुआ था, लेकिन यहाँ तो मेरा दिल ही टूट गया सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। विश्वसेन, वो ऑफिस की बातें यहाँ क्यों करें सर? आप मेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे ना सर। चलिए नाटक शुरू करते हैं। वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन। सुनो कौशल्या। हाँ जी। मुझे किसी ने फोन किया तो कह दो मैं बिजी हूँ। डोंट टेल एनीबॉडी। यही है हमारा रंगमंच। लाइट चालू करो। जी। बाप रे सर, मैंने होम थिएटर के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन सच में देखा जाए तो यही होम थिएटर है सर। ये है हमारे रंगमंच के साथी तबला हारमोनियम सारंगी, ये लो पकड़ो। सर अब आप मुझे कौन सी एक घटना दिखाने वाले हैं? एक ही नहीं, अनेक, बहुत सारी घटना दिखाऊंगा। सबसे पहले कौरव के साम्राज्य में जो घटना घटी वो बताने जा रहा हूँ। एक मिनट, मैं कॉस्ट्यूम लेकर आता हूँ। जो बात मैंने बताई थी उसे मन में रखकर डिस्टर्ब मत हो जाइएगा। कौन सी बात बताई थी? मुझे आपने सिलेक्ट नहीं किया इसलिए आप फील मत कीजिए। छोड़ो भी, हम लोग नौटंकी वाले हैं, ये सब बातें दिल पर नहीं लेते। बिल्कुल सही सर। पांचाली पांच पतियों वाली, क्या हुआ? सुना नहीं क्या? किस अभिमान में आकर तुम अट्टहास कर रही हो? तुम्हारे पति तुम्हें जुआ में हार चुके हैं। अब उन पांच पांडवों को अपने दिल में से निकाल कर फेंक दो। क्या बात है भाभी, अंदर से बहुत जोरों से आवाज आ रही है। अब क्या बताऊं, उनकी नौटंकी क्या बंद होगी? उनके ऑफिस का कोई आया है, उसे अपनी नौटंकी दिखा रहे हैं। कैसी लगी तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस? एकदम फ्रैंकली बताऊं सर? हाँ हाँ बताओ, डरते क्यों हो? आपके परफॉर्मेंस में मुझे कुछ कमी नजर आई सर। ऐसा क्या? कोई टेंशन आपको बहुत तकलीफ दे रही है सर? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपके मन में कुछ तो जरूर है, चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मेरा प्रमोशन आपने नहीं किया इसलिए आप निराश हो गए हैं, आपके दिल को चोट पहुंची है। ये बात तो सच ही है, लेकिन अपना परफॉर्मेंस भी आपने ठीक से कवर नहीं किया सर। ऐसा क्या? नेक्स्ट क्या है सर? सुभाष चंद्र बोस। द प्राइड ऑफ माई हार्ट, द फील ऑफ माई ब्रेथ, माय फेलो कंट्रीमैन एंड सोल्जर्स, इस देश को आजाद करने के लिए आप लोग मुझे खून दीजिए। चलो हम दिल्ली की ओर कूच करें और ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगा दें। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। कैसा लगा? फील नहीं आ रहा है सर। मैंने बहुत फीलिंग दी है यार। वो बात नहीं है सर, मुझे आपने सेलेक्ट नहीं किया, ये फीलिंग आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। सच में दिखाई दे रही है? सच में दिखाई दे रही है सर। मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाकर आपने कोई गलती नहीं की है सर, आपने अपनी ड्यूटी निभाई है। अगर आप ही अपने दिल में रखेंगे तो आपके परफॉर्मेंस में हमेशा बाधा आएगी सर। प्लीज, इससे मुझे बहुत दुख होता है सर। प्लीज प्लीज सर। ठीक है, तुमने कहा वो सही है, मैं भी सोच कर देखता हूं तो गलत लग रहा है। आप ऐसा मत सोचिए सर, गलती यहां किससे नहीं होती। पहले आप ये स्वीट खा लीजिए फिर रिलैक्स हो जाइए। रहने दो, तुम्हारा प्रमोशन मैंने नहीं किया, ये स्वीट खाने का हक मुझे नहीं है। बाप रे, आप तो अभी भी ये भूलने को तैयार नहीं है।
चलिए सर, अगला नाटक क्या है दिखाइए। ओके नारद जी। सर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना सर। प्रयत्न करता हूं। ये बताओ, मैंने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया है, चित्रंजन ने किया है ना? आप मुझे दिल से चाहते हैं इसलिए दूसरी जगह भेजना नहीं चाहते हैं सर। सत्यभामा, इस प्रोजेक्ट के बीच में अगर कोई भी आ जाए मैं अपने गलत उच्चारण को वापस लेता हूं। विश्वसेन, अब मुझसे और परफॉर्मेंस नहीं होगी। क्या हो गया सर? तुमने अपने प्यार से मेरा दिल जीता और मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बना पाया, इसलिए अंदर से बहुत दुखी हूं। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, साक्षात कृष्ण भगवान का रोल करने वाला मैं निस्वार्थ भाव से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजर तुम ही हो। सर ये मिठाई खाओ। थैंक यू सर। थैंक यू नहीं, ऑफिस में तुम्हें ये बात नहीं बता पाया क्योंकि मेरी मजबूरी थी। तुमने मेरा दिल जीत लिया है, पुरानी बातों को भूल जाओ। ओके सर। ओके ही नहीं, अब देखो मेरा दिल प्रसन्न हो गया। इस महान खुशी के उपलक्ष में मेरा अभिनय देखो, म्यूजिक बजाओ। जो सोचा वही हुआ, मैंने कहा था ना तुमसे, हाँ देख लिया, मेरे सेलेक्ट करने के बाद ही उसने सेलेक्ट किया है तुम्हें, है ना? वो क्या है ना, मैं बहुत सोच समझ के फैसला लेता हूँ, डायरेक्ट फैसला नहीं लेता हूँ मैं ऐसे। बाजी उल्टी पड़ी तो देखा ना। एनीवे, आज से तुम इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हो। द स्टेज इज सेट फॉर द रोमांस। Congratulations! बहुत सुकून मिला। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा यही सोच रही थी, तुम बने हो ये सुनकर बहुत खुश हूँ। Now I'm relaxed. अब फार्मास्यूटिकल कंपनी तुम्हारे हाथ में है, मैं तो सिर्फ नाम की हूँ। मेरी भी यही तमन्ना थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मैं अकेले हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, ये सोच करके मेरा दिमाग I was totally lost. Relax, मैं बहुत ही अच्छा प्लान बनाऊंगा। My project manager. श्वेता, पहले हमारे वर्क का स्केच करना होगा इन टू phases. फर्स्ट फेज permissions, सेकंड फेज clearances. Permission, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से गुड मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट हमें लेना होगा। ये सर्टिफिकेट इश्यू करता है ड्रग मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ड्रग लाइसेंस। ये अप्रूव करता है एनालिटिकल केमिस्ट, राइट? यस, इसके लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सेकंड फेज, क्लियरेंसेस फ्रॉम सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, लेबर डिपार्टमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन सब जगहों से हमें क्लियरेंसेस मिलने के बाद हमारे प्रोजेक्ट को हम बिना रुके हुए आगे बढ़ा सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये काम तुम आसानी से कर सकती हो। मैं अकेली? सो सिंपल। ये सब तुम कैसे जानते हो विशु? जब से मुझे ये पता चला कि तुम फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करने जा रही हो, तब से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। गुड बॉय। यू नो, जिस तरह तुम इस वर्क को एक्सप्लेन कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह बचपन में तुम क्लासरूम में मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। वुड यू लाइक टू हैव अ चॉकलेट? आपको ये भी याद है? यस बॉस। करते करते बहुत थक गए होगे विशु, ये बंद करके थोड़ा रिलैक्स कर लो। कोई बात नहीं श्वेता, मैं पहले से ऐसा ही हूँ। वेरी गुड विश्वसेन, काम तो तुमने मेहनत के साथ किया है। मेरे हिसाब से सेकंड वीक में हम अपना अगला कदम उठा सकते हैं। जी हाँ सर। विशु की कोशिश की वजह से काम बहुत तेजी से हो रहा है ना डैड? क्यों नहीं होगा, हमारे ही गांव का लड़का है, जीनिया तो होगा ही। थैंक्स। जीनिया का मतलब फ्लावर होता है मामी, आपको कहना चाहिए जीनियस है। जो भी हो,
बैठ जाओ बेटे। मम्मी को कनाडा में इंग्लिश सिखाने के लिए दिन रात एक कर दिया। मॉम तो वो भाषा नहीं सीखी, पर दूसरे लोग उनकी भाषा सीख गए। जी हाँ, मैंने अपने गांव की भाषा उन्हें अच्छी तरह सिखा दी। अब वो हमारे देश में व्यापार कर रहे हैं। सच कहूँ, अपने देश की भाषा हमें प्यारी है। दूसरी भाषा से हिंदी लाख बेहतर है। हाँ भाग्यवान, लेट्स से ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीख लो तुम। फैक्ट्री की जगह देखने के लिए मैं और श्वेता वैजाग चले गए। श्वेता से प्यार का इजहार करने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका था। So, इस जगह हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई जाएगी। यस, द ग्रेट फार्मास्यूटिकल कंपनी। ग्रेट होगी, ये तुम इतने विश्वास से कैसे कह रहे हो? मेरा नेचर ऐसा ही है श्वेता, बस देखती जाओ इस कंपनी को मैं किस मुकाम तक पहुंचाता हूं। यानी मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारा एंबिशन जुड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, ये मेरी कंपनी है ये भी कह सकता हूँ। कम होटल चलते हैं। हमेशा काम में बिजी रहने वाली श्वेता को रोमांटिक मूड में लाने के लिए लोकेशन को जरा बदलना पड़ेगा। रोमांटिक मूड के लिए बीच साइड कैसी रहेगी? क्या है विशु? मेरा बीच पर घूमने का मन कर रहा है। आई विल बी बैक इन 1 आवर। तुम अकेले बीच घूमने जाओगे तो मैं यहाँ अकेले बैठकर मच्छर मारूंगी। मैं भी आ रही हूँ, वेट फॉर मी। ओके श्वेता, बीच पर घूमना किसे अच्छा नहीं लगता? हाँ श्वेता, इनमें हमेशा बचपना रहता है। और तुम क्या कह रहे थे? मैं अकेले बीच पर जा करके एंजॉय करके आता हूँ, विदाउट मी। वो तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं इसलिए। बीच किसे अच्छा नहीं लगता, समझा करो ना विशु। ये मौसम, ये हवाएं, ये काले बादल, आई फील सो रोमांटिक। How romantic? दिल तो खोया था उसे खोना, रोक सके उसे कौन? बागों में कोयलों का गाना, रोक सके भला कौन? मस्ती भरा ये समा बीतना कभी भी, तू है यही मैं हूँ यही और मौसम भी है हसीन। थोड़ा तुझ में थोड़ा मुझ में अब भी बचपना है, अभी तो ये शरारत है। दिल तो खोया था उसे खोना, रोक सके उसे कौन? ये तो रब का है।
की फितरत क्यों नहीं ऐसी रब ने बनाई। है सच्चिया का तेरी बात है तुझे हम मान गए। किसकी किस्मत में क्या लिखा पढ़ सका इसे बीच पर आने के लिए श्वेता खुद ही राजी हो गई थी। तभी मैं समझ गया कि मेरा प्लान सक्सेस हो गया। उसकी हर अदा पर मुझे एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था। ऑफ कोर्स वो भी अपने प्यार का इजहार करना चाहती होगी, लेकिन जाने क्यों नहीं कह पाई। उसने अपनी आंखों से ही प्यार का इजहार कर दिया था, जैसे वो मुझे आई लव यू कह रही हो। ये कहने से पहले मुझे कुछ बनकर अपने आप को साबित करना होगा और तभी हमारा रिश्ता कामयाब हो पाएगा। कामयाब मुझे ही करना होगा। राकेश? अरे वही जो केएसएल ग्रुप के चेयरमैन का लड़का। टेक्सटाइल बिजनेस में वो बहुत मशहूर है सर, मोर देन 1000 crores का टर्नओवर है। लेकिन उनके साथ रिश्ता जोड़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम क्या होगी सर, मैं सब संभाल लूंगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इस विषय में बात भी करके आया हूँ। और अब हमारी एमडी श्वेता उनके एमडी से बात करेंगी, वहाँ पर उन दोनों की जान पहचान भी हो जाएगी। हमारी बेटी बात करेगी, ये सही होगा क्या? वहाँ का एमडी उसका लड़का है, बाप नहीं। ओह तो फिर ठीक है रिश्ता हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे तुम क्या सोच रही हो? इस तरह वहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? शादी की बात कर रहे हैं इसलिए शर्मा रही हो क्या? मैं और विश्व से पहले तुम देखकर पसंद कर लो, बाद में आगे की बात चलाएंगे। बहुत टैलेंटेड हो तुम, मैरिज ब्यूरो क्यों नहीं खोल लेते? नो बेबी नो, यही है राकेश जी, सभी कलाओं में निपुण। आज हम मिल सकते हैं ना? मैं अपने सारे प्रोग्रामों को छोड़ कर आया हूँ। ओके बाय। ऐश्वर्या है, बहुत ही अच्छी दोस्त है। राकेश हाय। हाय शीला। हाय। क्या हुआ, मॉर्निंग तो मुझे पिक करने नहीं आए, मैं एक घंटे तक इंतजार करती रही। नो बेबी, इनके साथ अर्जेंट बिजनेस मीटिंग थी इसलिए नहीं आ पाया। तुम कॉटेज जाकर जूस ला सकती हो। ओके। तो क्या यही है ऐश्वर्या जी? गर्लफ्रेंड। शादी भी करना चाहते हो ना? कौन करना चाहता है? हमारी श्वेता के प्रति तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है? हाँ? आज मैं तुमसे बिजनेस के सिलसिले में बात करने आया हूँ, किसी दिन पर्सनली मिलकर रिश्तेदारी के बारे में अच्छे से बात करूंगा। मेरे साथ? ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। चाहत बहुत बड़ी चीज है। रियली? इससे तुम्हें क्या फायदा? क्यों, तुम्हारी कंपनी बनने के बाद मुझे उसमें जीएम की पोस्ट नहीं मिलेगी? बोर्ड का डायरेक्टर बना दूंगा। ओके तो ठीक 6 बजे हम मिलते हैं कोफ्ता में। कोफ्ता में? उस रेस्टोरेंट में? ताज में मिलो तो बेहतर नहीं होगा? मेरे हिसाब से कोफ्ता ही सही जगह है। श्वेता को हर वैरायटी देखना, हर वैरायटी का काम करना बहुत पसंद है। एक बार वहां उससे मिल लीजिए, नहीं मिलना है तो कह दीजिए, ताज में अरेंज कर लेते हैं। नो 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 नो, कोफ्ता इज द बेस्ट। जैसी आपकी मर्जी। लेकिन इस गर्लफ्रेंड के बारे में और उस गर्लफ्रेंड के बारे में श्वेता को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। वरना तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे। जूस। नो थैंक्स, आई एम इन हरी, चलता हूँ। ओके
राकेश, शाम को 6 बजे मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हें याद है ना? 6 बजे? मेरी एक बिजनेस मीटिंग है। अब मेरे प्लान का फाइनल टच है। क्या बात है विशु, तुम इतने सीरियस हो? सीरियस तो हूँ ही, परेशान भी हूँ। परेशान भी हो? तुम्हारी श्वेता मैडम की शादी उस राकेश के साथ होने जा रही है। वाव, वेरी गुड। लेकिन तुम इतना फिक्र क्यों कर रहे हो? उसकी हर देश में 10 गर्लफ्रेंड्स है, पता है? यहाँ पर है शीला, उससे मीटिंग करवानी है। तब क्या होने वाला है मैं जानता हूँ, प्रोजेक्ट के साथ शादी की बात भी वहाँ होगी। उसे तुम कहते क्यों नहीं? कहना तो चाहता हूँ, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। वो कैसे? मान लो वहाँ शीला आ गई। अरे मनहूस, मेरे होते हुए तुम्हें दूसरी लड़की की क्या जरूरत है? और फिर वो श्वेता की गाल पर टप 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 करके थप्पड़ मारेगी, जरा सोचो तब क्या होगा। मजा आएगा, मजा आएगा। भगवान करे ये तूफान टल जाए। भगवान जो चाहता है वही होगा। विशु, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? क्या करोगी? शीला को फोन करूंगी और कहूंगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर लिया। ये तो गलत होगा। चुप रहो विशु, क्या गलत होगा? क्या गलत है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, नो, तुम्हारी सिस्टर के साथ ऐसा होता तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शीला का फोन नंबर कहाँ से मिलेगा? 9399332529। विशु, तुम्हें शीला का नंबर कैसे मिला? अचानक कहीं से मुझे मिल गया। अचानक ही सही, नंबर तो मिला। रियली गॉड, हाँ, भगवान का ही खेल है। नंबर दो। हेलो, शीला बोल रही है, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जी हाँ। बेचारी रामिया, दिखने में सांवली जरूर है लेकिन दिल की बहुत साफ है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड राकेश के बारे में? अब कोफ्ता रेस्टोरेंट में मीटिंग सेट होगी। एक्चुअली मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग करने आया हूँ, वो आपको वैरायटी पसंद है ना? माँ कसम, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया। हाँ? मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरा माइंड तो हमेशा बिजनेस में रहता है। कौन सा बिजनेस? क्या? वैसे तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उसमें से आप कौन सा बिजनेस करते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपना बिजनेस संभालता हूँ। हम मिलकर फार्मास्यूटिकल कंपनी खोले तो कैसा रहेगा? व्हाट? वेटर, तू आ गया कर रहा है? छोड़ उसको, चल दिया। एक कश मुझे भी देना। आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? सब बता दूंगा, पहले मुझे ऑर्डर करने दीजिए। ये सब क्या चल रहा है, नहीं बताओगे? बताओ क्या चल रहा है। हम लोग एक बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। यहाँ? हाँ। ये लड़की कौन है? इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन आपने तो मुझसे कहा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है बोला था? चीची, वो राकेश तो बहुत ही घटिया लड़का निकला। अच्छा हुआ सब पता चल गया, तुम्हें मीटिंग के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? विशु, तुम उसके बारे में नहीं जानते थे? नहीं जानता था। ये तो अच्छा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी थी, मीटिंग के बहाने हमें सब पता चल गया। अगर ये सब शादी के बाद होता तो? चुप रहो, कहने से ही शादी हो जाती है क्या? ये सब होने से पहले छानबीन कर लेनी चाहिए थी ना। तुम मुझ पर इतना क्यों बरस रही हो? उस दिन तो तुम भी मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रही थी। मैं कहाँ हाँ में हाँ मिला रही थी? आप दोनों आपस में लड़िए मत, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही उसकी तारीफों के पुल बांधे थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अच्छा सोच रहे थे इसलिए अच्छे के लिए हमें समझा रहे थे। हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, हमारी बेटी को इज्जतदार लड़का चाहिए, दौलतमंद नहीं। अरे हमारा बिजनेस कौन संभालेगा? इज्जतदार क्या बिजनेस नहीं संभाल पाएगा? हाँ बोलो। शांत हो जाओ, श्वेता क्या सोच रही होगी? बेचारी, अब क्या सोच रही होगी? मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा।
हाय श्वेता। हाय विशु। सॉरी श्वेता, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। इसके बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आई एम रियली वेरी सॉरी। कम ऑन विशु, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तब भी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है क्या? तुम मेरी बचपन की दोस्त हो विशु, बेस्ट फ्रेंड। तुमसे सच्चाई क्या छुपाना, अपने दिल की हर बात मैं तुमसे शेयर करती हूँ। कुछ बताऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा लगे तो माफ करना। मैं अपने वैजाक वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी कोई मेरी जिंदगी में आया। मैं तुमसे कहना चाहती थी। अभी कह दो श्वेता। जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसे पाने के लिए दिल कितना तड़पता है। वो दिल को गुदगुदाता है। वो और वो बताने के लिए दिल में घबराहट सी होती है। करेक्ट। तुम सच में किसी से प्यार करती हो श्वेता? सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ? हाँ, सिद्धार्थ मुझे बहुत पसंद है। सिद्धार्थ कौन है ये? तुम उसे नहीं जानते, ये बात मैं मम्मी डैडी को बताना चाहती थी, लेकिन डैडी को तो प्रॉपर्टी और बिजनेस वाला दामाद ही चाहिए। सिद्धार्थ भी वही करता है, खुद का बिजनेस है, खुद ही संभालता है। हम दोनों का सपना भी एक ही है। तुम भी मेरा भला ही चाहते हो ना विशु, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, कैसे भी करके। कुछ सोचो ना विशु, हमें हमारे इस कंपनी के प्रोजेक्ट को कामयाब करना है ना। मैडम जी, साहब बुला रहे हैं। आती हूँ जी। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अब ये सब कैसे करना है ये तुम सोचो, मैं डैडी से मिलकर आती हूँ। अरे मेरे लिए रुको ना। ए विशु, क्या सोच रहे हो? अच्छा, सिद्धार्थ के बारे में मुझे बताओ ना, क्या सोच रहे हो? अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो तो तुम ये काम खुद भी तो कर सकती हो। कनाडा में कभी ना कभी तुम उससे जरूर मिली होगी। तुम्हारी और भी सहेलियां हैं, वो भी ये काम कर सकती हैं, जिसे मैं पर्सनली जानता ही नहीं, उससे मैं कैसे ये बात कर सकता हूँ? फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, हम उन्हें जानते नहीं है क्या? ये भी बिल्कुल उसी तरह है। It's something like that. उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। You know, crores और crores का बिजनेस होने के बाद भी वो यही रहता है, पता है? जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कन्विंस कर पाऊंगा। मान लो तुम्हारी उसके साथ जान पहचान हो जाती है, तब तो कन्विंस कर सकते हो। श्वेता, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर करूं? और राकेश के मैटर का क्या? वो पर्सनल नहीं था क्या? उसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ाने के लिए तुम मम्मी डैडी के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो उस वक्त वो मेरा पर्सनल मैटर नहीं था क्या? वो तो मैंने तुम्हारा रिस्क कम करने के लिए किया था। इसमें कैसा रिस्क है? जैसे वो की थी वैसे कर लो। वो बात मैंने तुम्हारे पिताजी से पूछकर की थी, ये बात उन्हें बताए बिना करनी है, इसलिए डर लग रहा है। तुम नहीं करोगे? नहीं करूंगा। सॉरी विशु,
तुम्हारी टेंशन मैं समझ सकती हूँ। बेचारे राकेश के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ, उस बात की टेंशन तुम्हें आज भी है ना? आई अंडरस्टैंड विशु। श्वेता, चलो मान लिया तुम उसे चाहती हो, लेकिन क्या वो भी तुम्हें चाहता है? इसीलिए तो विशु, ये काम मैंने तुम्हें दिया है। उसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ाने का काम तुम्हारे लिए तो चुटकी भर का है। हिमालय की बर्फ को भी पिघलाना तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, ये बात मैं जानती हूँ विशु। इसलिए तुम मेरा ये काम करोगे ना विशु? श्वेता, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं डैडी, फार्मास्यूटिकल कंपनी वेजाक में बनाना ठीक रहेगा या तिरुपति में बनाना ठीक रहेगा, वही सोच रहे थे। एक काम करो, उस कंपनी को यहीं पर बना दो। अरे आगे भी बहुत काम है बेटा, दोनों आओ खाना खाते हैं। ओके डैड। करोगे ना विशु? ठीक है। थैंक यू। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। जान से मार दूंगा। क्या रे, क्या भेजने को कहा था और क्या भेज दिया? मैंने राई का तेल मंगवाया था और तूने सनफ्लावर भेज दिया। अरे ऐसे कैसे गलती हो गई, कैसे एडजस्ट करोगे? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? खाना खा लिया। अच्छा, इन्हें अंदर ले जा। इधर का मैं सब कुछ हूँ, मुझसे मत उलझना। अरे 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 अरे, फोन काट दिया, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। Hey, क्या है वो? उठाओ, ये गांधी आश्रम है, साफ सफाई यहाँ का पहला नियम है। तुम्हारा यहाँ पर कोई है क्या? नहीं है। फिर क्यों आए हो? ऐसे ही घूमने के लिए आया हूँ। अरे ये क्या घूमने के लिए कोई बार या रेस्टोरेंट है क्या? हम किसी को देखने आए हैं सर। यहाँ देखने जैसा है क्या? यहाँ पर कोई सर्कस चल रहा है? ये गांधी की जमीन है, ओल्ड एज होम, निकलो यहाँ से। सुनिए ना सर, हमें एक बार। अरे कहाँ ना, जाओ जाओ यहाँ से। अरे चलो जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ जाओ। ये क्या, गांधी आश्रम में आकर गुंडा गर्दी कर रहे हो? इस टोपी की अहमियत को जानता है तू? इसी टोपी से अंग्रेज भाग गए थे और तू इसका अपमान कर रहा है? सर, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, जाने दीजिए, छोड़िए ना सर। कंट्रोल कंट्रोल। अरे काहे की शांति चाचा जी, ये दोनों लोफर यहाँ घुसे चले आ रहे थे और मैंने समझा रहा था और मेरे ऊपर हाथ चला रहा। ओके, मैं बात करता हूँ ना चाचा जी। सॉरी, इनसे गलती हो गई, आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ। सॉरी बोल रहा है? गांधी जी ने क्या कहा था, गलती करने वाले को सॉरी बोलना चाहिए। ओके, मेरी बात सुनिए चाचा जी, वो पंप सेट वाला भाड़ा लेने आया, आप जाकर देखिए। पंप सेट वाला भाड़ा लेने आया? आज मैं उसकी बैंड बजाता हूँ, देता हूँ मैं उसको भाड़ा। अरे आ जाइए। रोज रोज भाड़ा लेने आ जाता है, उसके बाप का राज है क्या? एक्चुअली बात यह है कि, अरे नहीं, हमारे चाचा जी जरा गुस्से वाले आदमी हैं, हमारे यहाँ तो ये चलता रहता है। बाय द वे, आई एम सिद्धार्थ। मैं विश्वसेन। नाइस नेम विश्वसेन। जनाब का नाम? जाकिर।
मैं जरा आसपास घूमने के लिए निकला था। मुझे ये फार्म हाउस बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए यहाँ चला आया। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, माय प्लेजर, प्लीज कम। वो हमारा ओल्ड एज होम है, हमारा फार्म हाउस थोड़ा आगे। ये ओल्ड एज होम को आप ही मैनेज करते हैं क्या? जी नहीं, इसे मेरे चाचा जी संभालते हैं। आपके माँ बाप नहीं है क्या? है ना। कहाँ है? बेंगलोर में। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे यहाँ रहने से आपको कोई एतराज है? मतलब आप शहर छोड़कर गांव में रह रहे हैं, इसलिए ये पूछ रहा था। मुझे ये क्लाइमेट बहुत पसंद है, ये पेड़ पौधे, ये हवा, ये सब कहाँ मिलेगा? प्लीज कम। कम कम, ये है मेरा फार्म हाउस। वेरी नाइस, आपको पसंद आया? या प्लीज कम। अरे वाह भाई, देखो कितनी छोटी गाली है, मैं इसमें बैठूं क्या? ए जाकिर, इट्स ओके। ए पापा, ये 1920 का रोज राइज है, एंटिक चीजों का कलेक्शन करना मुझे बहुत पसंद है, प्लीज कम। ये मेरा लिविंग रूम है, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ऑल इन वन, प्लीज हैव अ सीट। क्या बात है, यहाँ पर जमीन खरीदने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, मैं श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, हमारी फैक्ट्री के लिए एक साइट की जरूरत है, वो देखने आया हूँ। इस जगह पर आपको आपकी पसंद की जगह जरूर मिल जाएगी। हम अपनी फैक्ट्री को इंडस्ट्री में बदल दे तो यहाँ उसकी डेवलपमेंट हो सकती है? नो नो, फैक्ट्री ही रहने दो, लेकिन उसको बेटर ढंग से आगे बढ़ाओ, आई मीन डेवलपमेंट के रूप में। अगर आप काम को अच्छी तरह से अंजाम देंगे तो फैक्ट्री को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आजकल हमारे देश में हर चीज की बहुत कमी हो रही है, इसकी वजह है एग्रीकल्चर लैंड का कम हो जाना। लगता है आपको बिजनेस से बहुत लगाव है। मैं सिंगापुर में स्पंज का बिजनेस किया करता था, अफ्रीका तक फैलाया था, उसका नाम था पफ, ऑर्गेनिक पफ। एंड अपने चाचा को ओल्ड एज होम संभालने के लिए यहां बुला लिया। मतलब आप बिजनेस छोड़कर यहां आ गए? फॉर्म संभालना भी तो एक बिजनेस है। जस्ट जोकिंग। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं अभी उसके टच में हूं। ह्यूमन बीइंग रिलेशंस के लिए मैं सेमिनार करता रहता हूं। मेरा विश्वास है बिजनेस के लिए इंसानियत जरूरी है। ओके फाइन, अब हम चलते हैं। तलता आपने अभी तक शादी क्यों नहीं थी? कोई अच्छी लड़की हो तो बता दो, शादी कर लूंगा। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। विशु, परसों तुम ताज बाजार की मीटिंग में गए थे ना, वहाँ तुमने पांडे का नंबर लिया क्या? मुझे वो नंबर चाहिए था। अब पर्सनल मैटर रहने दीजिए डैड, हम बाहर बिजनेस की कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। ओके ओके, मैं बाद में ले लूंगा। कम कम, भारती ये पकड़ो। हाँ, मिले क्या? बात की उससे? पसंद आया? ठीक है। क्या ठीक है, सच में वो बहुत अच्छे हैं, जैसे फोटो में दिखते हैं, बहुत हैंडसम है। ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैनेज करोगे तुम दोनों? तुम अपनी लाइफ को कितना हंसते खेलते एंजॉय कर रही हो, और उसे देखो 30 साल में ही वनवास लेकर उस फार्म हाउस में अपने दिन गुजार रहा है। वही तो, उसी जिंदगी में मजा है, तन्हाई में सिर्फ हम दोनों होंगे, वो मुझे चाहेंगे और मैं उन्हें चाहूंगी, कितना अच्छा रहेगा। कभी खामोशी, कभी झगड़ा, पूरी लाइफ एक हनीमून की तरह गुजरेगी, है ना विशु? वो सब ठीक है, तुमने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की? तुम्हारी बातों का क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरा सपना पूरा करने के लिए तुम्हारे दिमाग में इस वक्त कोई बढ़िया सा प्लान चल रहा है,
बताओ ना मुझे, बचाओ ना, बताओ ना। ऐसा कुछ नहीं है श्वेता, ऐसे नहीं चलेगा। बताओ 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 ना प्लीज, बताओ। सच में ऐसा कुछ नहीं है, इसे मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, तुम अपने साथ मैडम को लैंड दिखाने के लिए ला रहा हूँ ऐसा कहकर उन्हें मिलने के लिए बुलाओ, और तब वो मुझे देख लेंगे, फिर उन्हें प्यार हो जाएगा। नो नो, क्यों? तुम लैंड खरीदने की बजाय फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा, तब काम और भी आसान हो जाएगा। साइकोलॉजिकल पॉइंट। तो एक काम करते हैं, तुम एक वीडियो कैमरा लेकर उनका वीडियो शूट करके लेकर आओ। वो क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या ड्रेस पहनते हैं, उनका स्टाइल कैसा है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। विशु, श्वेता तुम एक लड़की हो और मुझे तुम्हारी अक्सर फिक्र लगी रहती है। तुमने मुझे अपना गधा बना कर रखा है, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? मैं तुम्हें फिल्म बनाकर दिखाऊं कि वो बैंगन और आलू कैसे बोता है, कोई काम नहीं है क्या? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या हुआ विशु? हाँ कुछ नहीं। मैं बस सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, सोचो 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 विशु, अब उन्हें देखे बिना मुझसे एक पल भी नहीं रहा जा रहा। सच में देखना है क्या श्वेता? एक दूसरे की आंखें आंखों से लड़ेंगी और दिल से दिल की हम बात करेंगे। आजादी की लड़ाई के वक्त पुंडरीकाक्ष जी ने गांधी आश्रम स्थापित किया था, वो आपके चाचा जी के हवाले कर गए। ये आपके खानदान के लिए अभिमान की बात है। आज भी इस गांधी आश्रम को वही परिवार संभाल रहा है, ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है साहब। इस देश में मौजूद बहुत सारे नेताओं के बारे में मैं इससे बहुत आर्टिकल लिख चुका हूँ। आपके बारे में लिख कर मुझे और मेरे पैन को बहुत शांति मिलेगी। ये लकी पैन है मेरा। आप गांधीवादी हो, ये बात आपके चेहरे से साफ झलक रही है। जलन, गुस्सा, हिंसा, असत्य और दुर्व्यवहार का विरोध करना ही सच्चा गांधीवाद है। वाह वाह वाह। गांधी जी की तरह आप भी चरखे से धागा सूतते हैं। अपने हाथों से सूते हुए धागे से ही मैं अपने कपड़े सिलवाता हूँ और यहाँ के लोगों के भी। बहुत बढ़िया सर, आप धागा बनाइए, मैं फिल्म उतारता हूँ। ठीक है। ये क्या सर, आप तो रोज धागा बनाते हैं लेकिन फिर आपसे टूट क्यों रहा है? आज की कपास अच्छी नहीं है। इसमें क्या खराबी सर, ये तो अच्छी क्वालिटी की है, A1 है। कहा ना कपास अच्छी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर, ये नंबर 1 क्वालिटी है, डिक जैम, बॉम्बे डाइंग सब इसी को इस्तेमाल करते हैं। औरों की तारीफ करके तुम मुझे गिरा रहे हो। यो गांधीवादी, क्या पाठ पढ़ा रहे हो उसे? शोभाजी बंद करो। आपने कहा था आप धागा बनाते हैं और वो कह रहा आप दिखावा कर रहे हैं, वो सच कह रहा है? तू मुझे सच और झूठ के बीच में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जो कहा वही सच है, तू मुझे गलत साबित करने वाला है कौन बदतमीज? इस आश्रम में इतनी गंदी भाषा। ये गंदी नहीं, हमारी भाषा है। पत्रकार हूँ, आपसे कुछ पूछना है कहते हुए पीछे पीछे आया था। मैं तेरे पीछे नहीं आया था। ये तुम्हें गांधीवादी किसने बनाया? तू मेरे आश्रम में आकर मेरी बेइज्जती कर रहा है। तुम्हारा कब से हो गया? ये तो पुंडरीकाक्ष जी का आश्रम है, आफ्टर ऑल तुम लेबर हो। मैं तुझे लेबर दिख रहा हूँ? लेबर दिख रहे हो, लेबर ही हो, लोफर हो, लोफुटो, लफंगे हो। अब देख रहे तुम्हारे बारे में पेपर में क्या लिखता हूँ मैं। तू जिंदा रहेगा तभी तो मेरे बारे में कुछ लिखेगा ना। अभी मैं तुझे बताता हूँ। अरे रोक, अरे रोक, अरे यार मार देगा मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाता कहाँ है? अरे बचा, जाएगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर दोबारा तू यहाँ आया ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे चाचा भी जिंदा होते ना तो उनके सामने ही तुझे मार देता। हाँ तू यहाँ पर दोबारा क्यों आया? सिद्धार्थ जी से मिलना है मुझे। तू भी पत्रकार है क्या? चंद्रमणि, तुम्हें पुंडरीकाक्ष जी बुला रहे हैं। किस लिए? स्नान करते समय तुमने जिसे थप्पड़ मारा था ना,
उसने कंप्लेन की है। मारूंगा नहीं तो पप्पी लूंगा। छह साबुन खत्म करने के बाद सातवां साबुन मांगने आया था। कानून सबके लिए एक है, कानून जो तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। कहाँ है वो नालायक, कहाँ है? अरे मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। सिद्धार्थ जी कहाँ पर मिलेंगे? उस तरफ राइट में, वहाँ कार शेड दिख रहा है ना, वहीं पर। हेलो, हे विश्व सेन, तुम कब आए? अभी आया। क्या सरप्राइज है, फॉर गॉड्स सेक, लगता है मेरा फार्म हाउस तुम्हें पसंद आ गया है। ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर लैंड के कुछ वीडियो शॉट्स लेने के लिए आया हूँ, तो कौन सा एरिया सही रहेगा इसके बारे में आपसे जानकारी लेनी है। गुड। ये फोर्ड कंपनी का फर्स्ट मॉडल है, 1942 में इटली में बना है। पिछले हफ्ते इसे मैंने एक आदमी से खरीदा है। घूमने फिरने के लिए? नहीं नहीं, यूं ही रखने के लिए। कुछ काम की नहीं है तो फिर ये भंगार हो जाएगी। शौक है, ये मेरी हॉबी है। इसका मतलब आप अपनी दौलत बेकार में जाया कर रहे हैं। हे, तुम बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। जाया इंसान अपने आप को करता है, चीजों को नहीं। ये मेरी सोच है। सुनो, तुम नारियल पानी पियोगे? नो थैंक्स। उसका वीडियो निकालना, भूलना मत विशु। उसका वीडियो निकालना, भूलना मत विशु। उसका वीडियो निकालना, भूलना मत विशु। ठीक है। क्या? कैन आई शूट योर कार इन माय हैंडीकैम? क्यों नहीं, जरूर। मेरी मीटिंग फिक्स करना, भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत। क्या बात है, तुम किसी सोच में डूबे हुए हो? कुछ नहीं। नो नो, समथिंग इज बॉदरिंग यू। Bothering me? Nothing. तुम कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहे हो? उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करनी है, भूलना मत, भूलना मत। ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं आप साइकियाट्रिस्ट तो नहीं है? अगर कोई बात है तो छुपाओ मत, बता दो। काफी वक्त हो चुका है, मैं चलता हूं। स्ट्रेंज का है। अरे वाह, कितने हैंडसम है वो। सो नेक्स्ट वीक ताज कृष्णा में फैशन शो में आ रहे हो ना? उधर हम दोनों का एक्सीडेंट होने वाला है, यही प्लान है ना? वो सच में आएंगे ना? डेफिनेटली आएंगे। ए बेबी, उधर लगा दे, उस तरफ पीछे। सब समझ गई ना? हाँ, सब समझ गए। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, जोर से या शांति से, और चाहे तो हॉट भी? जैसा तुम ठीक समझो। ओके। अच्छा, ये सिद्धार्थ कौन है? डिटेल्स किस लिए? ठीक, मॉर्निंग 10 o'clock, लाइफस्टाइल शॉपिंग सेंटर, याद रखना। ओके। थैंक्स श्वेता, आज तुमने मेरे लिए वक्त निकाला है। Hey, come on. तुम्हें क्या पसंद है? जो चीज तुम सेलेक्ट करोगी वही मेरी पसंद है। श्वेता, मुझे कुछ पर्सनल कॉस्ट्यूम खरीदने हैं, तुम कुछ भी चूज कर लो। ओके, कैरी ऑन। आपका बॉयफ्रेंड है क्या? बड़ा हैंडसम है। नो नो, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। ओह या या, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं भी प्यार करती हूँ ना, इसलिए मुझे सारे लोग प्यार वाले लगते हैं। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। लव इज इन द एयर। यस, उसी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ यहाँ। अच्छा, लड़के क्या पसंद करते हैं? वो तो लड़कों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ओह, वन मिनट। अरे, उनको याद किया और उन्हीं का फोन। पहले अपना गेम खेलो। हाय सिद्धार्थ, अभी तुम्हें याद कर रही थी और तुम्हारा फोन आया। नाराज हो क्या, मुझसे बात करो ना। अच्छा, तुम क्या पसंद करोगे? क्या कहा, फार्म हाउस में प्रॉब्लम है? जब देखो तुम्हारी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। ठीक है ठीक है, मैं गिफ्ट लेने के लिए शॉपिंग मॉल आई हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी गिफ्ट हूँ, यू नॉटी बॉय। शाम को फिर मिल रहे हो ना? ओके, सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय। बोलते हैं मैं ही उनकी गिफ्ट हूँ।
कैसे होते हैं ना लड़के। एनीवे, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय। बाय। विशु विशु, उस लड़की को देखो। वो लड़की? मैंने सूरत ही नहीं देखी। वो बात नहीं है विशु, वो लड़की सिद्धार्थ से बात कर रही थी। सिद्धार्थ? मेरे सिद्धार्थ से। ओ, वो शायद फ्रेंड होगी। नहीं, वो बहुत क्लोजली बात कर रही थी। फिर क्लोज फ्रेंड होगी। उसने उसे किस भी किया। ओ, लेकिन वो सिद्धार्थ इसी का सिद्धार्थ होगा, इसकी क्या गारंटी? वो फार्म हाउस वाला सिद्धार्थ था। किसी और का भी हो सकता है। मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना। तो फिर उसे जानकारी क्यों नहीं ली? उससे कुछ गलतफहमी हो जाती। नहीं, तो? नहीं, उससे पूछ लेती तो गलतफहमी दूर हो जाती। नहीं, उसने उसे बता दिया तो। मैं जाकर पूछ लेती हूँ। One second. Hello? Hello? Excuse me? Excuse me? Excuse me? Hello? Excuse me? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? कुछ पर्सनल बात है प्लीज। तुम सिद्धार्थ से बात कर रही थी ना? वो मेरा सिद्धार्थ है। मेरा सिद्धार्थ है मतलब? कहा ना, वो मेरा सिद्धार्थ है। हाँ, वो तुम्हारा सिद्धार्थ है। मैं पूछता हूँ, इसे मैं पूछता हूँ, इसे मैं हैंडल करता हूँ। ओके। तुम फोन पे जिससे बात कर रही थी, वो कौन सा सिद्धार्थ था? डिटेल्स किस लिए? डिटेल्स किस लिए? देखो, तुम ये बताओ, तुम जिस सिद्धार्थ से बात कर रही थी, उनका मेचल में फार्म हाउस है ना? नहीं, मेरे सिद्धार्थ का मेहंदीपट्टनम में फार्म हाउस है। मेहंदीपट्टनम के फार्म हाउस के सिद्धार्थ से। मेहंदीपट्टनम। मेहंदीपट्टनम में फार्म हाउस? मेहंदीपट्टनम में तो फार्म हाउस है ही नहीं। मेहंदीपट्टनम में फार्म हाउस है? हाँ, मुझे पता है। तुम झूठ को कवरिंग करने की कोशिश कर रही हो। इसमें कवरिंग करने की क्या जरूरत है? तुम इस मोहतरमा से कुछ छुपाना चाहते हो? इनसे हमें कोई बात छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये मेरा मामला है, ये क्यों छुपाएंगे? देख लिया ना, एक दूसरे को बचाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। आप चुप रहिए, आप जिससे बात करी थी वो सिद्धार्थ कुमार ही है ना? देख लो, बात को कैसे घुमा रहा है। हमारी बातों में आप क्यों टांगा डाल रहे हैं? मैं क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ ना, आप बताइए। मैं जो बात कर रही थी सिद्धार्थ कुमार से नहीं, रेड्डी से। देख लिया, सिद्धार्थ रेड्डी से। हाँ। ओके, अब जाइए जाइए। थैंक यू। आप यहाँ पर इन्हें छोड़िए, आप जाइए ना। क्या है ये सब? फार्म हाउस के बारे में आप गलत सलत क्यों बता रहे हैं? जी हाँ, हमें उसे रोकना ही होगा। हाँ। रुको, मेरी बात तो सुनो। सिद्धार्थ बहुत ही अच्छा इंसान है, गुणवान है, दिल वाला है। देखा कैसे टॉपिक बदल दिया, उस लड़की को। आप चुप रहिए, कोई टॉपिक नहीं है। श्वेता, तुम डायरेक्ट सिद्धार्थ से मिलकर अपने दिल की तसल्ली कर लो। सही कहा तुमने। अब मैं उससे डायरेक्ट मिलकर सब क्लियर करूंगी, गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। लेट्स गो एंड मीट हिम टुमारो। लेट्स गो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विशु। आप किस एरिया के पुलिस स्टेशन में हैं? एरिया के नहीं, पाड़ा के हैं। नाटक में एसपी का रोल करता हूँ मैं। यहाँ ये ड्रेस लेने आया था, परफॉर्मेंस बढ़िया था ना? हैं? हैं? एंट्री सही टाइम पे मारी थी ना? श्वेता, सिद्धार्थ से मिलना इतना अर्जेंट है क्या? हाँ ना विशु, वो फैशन शो में आएंगे तो मुझे उनसे मिलाओगे, इसमें कितनी देर हो जाएगी। डायरेक्ट मिलना सबसे बेस्ट आइडिया है। अब यहाँ से कितनी दूर है विशु? 10 किलोमीटर। हम दोनों के बीच में अब सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। हेलो, व्हाट? ये सब क्या है, क्या है ये सब? क्या हुआ सर? फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के पेपर ओके होने की जगह रिजेक्ट हो गए। कैसे डैड? सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली है सर? जस्ट नाउ, आई गॉट इट फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट। सर, मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए, मैं सारे डिटेल्स वेरीफाई करके वापस सबमिट कर दूंगा। ये बहुत ही बुरा अनुभव था, श्वेता की क्राइसिस, उसकी वजह से मेरी क्राइसिस। श्वेता बहुत बदल चुकी है, मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, दिल तड़पता है मेरा। तहकीकात करने के बाद वजह का पता चल गया। सारे वेरिफिकेशन कर लिए सर, सबमिट किए हुए सारे डेटा सही हैं। तो फिर फाइल वापस क्यों आई?
आई नहीं, भिजवाई गई। आपका कोई अंदरूनी दुश्मन है जो इस तरह का खेल खेल रहा है। इसमें सबसे प्रमुख है पॉलिटिकल ऑपरेटर राव, जिसने हमारी फाइल बदल दी। इसके लिए क्या तुम मुझे उतना पैसा दे सकते हो जितना दूसरी पार्टी देती है? तुम कमीशन खोर हो, लेकिन तुम्हें कमीशन देकर हमें अपना काम नहीं करवाना, यही सच्चाई है सर। उसके बाद चेयरमैन जी से मैंने दिल्ली वर्क के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की, उन्हें समझाया और रिजल्ट का इंतजार करने लगा। उसके बीच मेरा अपना सपना भी मुझे सता रहा था। श्वेता मुझे अपनेपन की नजर से देखकर दूर से ही वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक ही बात झलक रही थी जो देखने वाला ही समझ सकता है। Is it love? दुख के वक्त तो हर कोई साथ छोड़कर जाता है, लेकिन श्वेता अपने दुखों को छुपाकर मुस्कुराहट बिखर कर मेरा साथ दे रही थी। देखते हैं आगे क्या होता है। उस दिन श्वेता ने सिद्धार्थ के बारे में एक अल्फाज भी नहीं कहा और मैं भी चुपचाप कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा। मुबारक हो विशु, तुम सचमुच कमाल हो। वेल डन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। विश्वा हमारी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें पता है बचपन से ही बहुत ख्याल रखता है इसका, हमारे गांव का। ये हमारे गांव का लड़का है। तुम गांव गांव करके ढिंडोरा मत पीटो, श्वेता का प्रोजेक्ट इसने फिर से हासिल कर लिया है। अरे इसका मुंह तो मीठा करवाओ। अरे रे, मैं भूल गई थी। अरे सुबो, सुबो। ओके यंग मैन, आज से तुम्हारी सैलरी डबल। थैंक यू सर। सर दिल्ली से आपका फोन। मीठा खा कर जाना। हाँ मिनिस्टर साहब बोलिए। हाँ फाइल क्लियर हो गई। हाँ बाबा थैंक्स विशु। ये तोहफा तुम्हारे लिए था श्वेता, आज भी और हमेशा। मैं जानती हूँ मेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ विशु। बातें ये दिल की
फिर से कहो ना, कहते ही जाओ ना। दिल से दुआ है ये पिया, कभी छूटे ये सपना, कभी छूटे ये सपना। मिल के ये तुमसे जाना, दिल क्यों होता दीवाना। पाव भाजी तैयार है, बांध दो त्या। भाई मेरी बात सच निकली ना, अब श्वेता सिद्धार्थ के बारे में कोई बात नहीं कर ली है ना। 100% सच्चे प्यार पर कोई आंच नहीं आती। She is fall in love। मेरे सपने सच होने लगे हैं। हाय विशु। मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। पहली बार मैं तुम्हारे सामने अपोलोजाइज कर रही हूँ। किस लिए? सिद्धार्थ को लेकर मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया ना। अब उस बारे में मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। सिद्धार्थ से तुम एक बार कांटेक्ट करके मुझे उससे मिलवा दो। What? मैं उससे ऑलरेडी मिल चुकी हूँ विशु। मुझे बताए बिना? उससे मैं तुम्हें मिलाना चाहता था। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने आप पर गिल्टी फील करने लगी थी। तुम्हें कंपनी का काम संभालने के लिए रखा गया है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा ही करना था तो पहले कर लेती। सरप्राइज सुनके शौक लग गया ना। हाँ, तुम अकेली उससे मिलने क्यों गई थी? सिंपल, उनके पास 1942 मॉडल विंटेज कार है, ऐसा कहा था ना तुमने। वो उसे बेचना चाहते हैं, इसलिए पेपर में ऐड दिया था उन्होंने। इसीलिए मैं जाकर उनसे मिल के आई और मैंने उन्हें आज यहाँ इनवाइट भी किया है। ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा है ना तुम्हें। मम्मी पापा को तो कानो कान खबर भी नहीं है। तुम्हें बताए बिना ही मैं इतना बड़ा काम करके आ गई है ना विशु। आ, देखो विंटेज कार, विंटेज कार। मैंने कहा था ना विशु आने वाले हैं, वो आ गए। विशु देखो ना, कम लेट्स गो, नीचे चलते हैं। अरे विशु चलो ना। ए, तुम रेडी हो? तो मैं देखती हूँ। मॉम ब्रेकफास्ट तैयार है? सब रेडी है। विशु तुम उन्हें यहाँ देख कर, अरे तुम यहाँ कैसे? ऐसे शौक होकर पूछना, ठीक है? ऑलराइट, तुम रेडी हो ना? यस हाय।
आई एम सिद्धार्थ. सिद्धार्थ विंटेज कार. विंटेज कार. विंटेज कार सिद्धार्थ. ओह प्लीज कम. थैंक्स. ओह विश्वसेन तुम यहाँ कैसे? मुझे छोड़िए, आप यहाँ कैसे? अरे आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? ये हमारे फार्म हाउस में एक बार आया था. आपके यहाँ? तुम इनके यहाँ गए थे विशु? किस लिए? शायद इसे लैंड्स की जरूरत थी, उसके लिए. लैंड्स? लैंड्स? कैसा लैंड्स? फैक्ट्री के लिए. हमारी फैक्ट्री के लिए. हमारी फैक्ट्री के लिए. अच्छा तभी जान पहचान हुई. बाय द वे आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं है ना? ओह या अच्छा है. व्हाट अ कोइंसिडेंस है ना. विशु और मैं बचपन के फ्रेंड हैं. कम लेट्स हैव ब्रेकफास्ट. पहले कार तो देख लीजिए. बाद में देख लेंगे. पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. कम कम लेट्स हैव इट. चलिए कम. डैड. सिद्धार्थ. हाय सर. हेलो. मुझे विंटेज कार बहुत पसंद है ना. लेकिन कब से पसंद है बेटा? बचपन से है डैड. नहीं जानते क्या? अरे हाँ. सिद्धार्थ ने अभी अभी इंपोर्ट करके मंगवाई है विंटेज कार. ओ अच्छा. इनके पास 1942 की विंटेज कार है. उनकी वही कार मैं खरीदना चाहती हूँ. तो फिर जो मैंने बुक की उसे कैंसिल कर दूँ? मुझे वो भी चाहिए. हाँ ठीक है. मॉम ब्रेकफास्ट रेडी है ना? हाँ रेडी है. कम कम प्लीज. इसे पुरानी गाड़ी कब से पसंद आने लगी? पता नहीं सर. अरे तुम दोस्त हो, तुम्हें पता होना चाहिए. आपने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया. जब आपको नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? अच्छा ठीक है चला जा. अंती चटनी थोड़ी तीखी हो गई ना? कोई बात नहीं. अरे ये भी है. जाकिर तुम यहाँ कुक हो? नहीं गेस्ट हूँ. अरे बैठो ना. यस थैंक यू. तुम रहते कहाँ हो? हाईवे के पास मेरा फार्म हाउस है, वहीं पर रहता हूँ. अच्छा. क्या बताऊँ कितना भी जल्दी करूँ लेट हो जाता है. मेरी मॉम है. हेलो. नमस्ते. हमारे गांव में भी हमारा फार्म हाउस है. अब तो खंडर बन गया है. हमारे माँ बाप तक ही वो अच्छा था. कभी आप मेरे फार्म हाउस पे आइए ना. यस यस हम लोग नेक्स्ट वीक चलेंगे मॉम. यहाँ से वक्त मिले तभी ना. मैंने आपके मनपसंद पनीर पकौड़े बनाए हैं, ये ले दिए. सिद्धार्थ टेक दिस पनीर के पकौड़े. समथिंग स्पेशल. अपने पिता का बिजनेस छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इट्स नॉट माय बिजनेस, ये मेरी हॉबी है. तो फिर आपके पापा कौन सा बिजनेस करते हैं? सिंगापुर में स्पंज का बिजनेस है मेरे डैडी का. तुम्हारा अपना है? जी हाँ. इसका मतलब आप लोगों का भी करोड़ों का बिजनेस है ना? जी हाँ. तो बिजनेस तुम्हारे पिताजी संभाल रहे हैं? आपको उससे क्या मतलब डैड? उसके लिए तजुर्बा बहुत जरूरी होता है राइट है ना? कंसल्टेंट्स भी है. कंसल्टेंट्स मतलब मैरिज ब्यूरो ना? नहीं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. मतलब? एम्प्लॉइज के बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए मैं सेमिनार्स करता रहता हूँ. इतने बड़े बिजनेस को छोड़कर एम्प्लॉइज के बीच रिलेशन सुधारने का काम कर रहे हो? That's great, Dad. We should do something like that. है ना विशु? सिद्धार्थ तुम्हें हमारे ऑफिस आकर सेमिनार करना होगा. श्योर व्हाई नॉट. नेक्स्ट वीक. Great. ये क्या विश्वसेन? ये सेमिनार करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ, हमें स्टूडेंट समझ के लेक्चर सुनाना चाहता है क्या? इस फैक्ट्री में हर कोई हंसी खुशी से काम कर रहा है. मैनेजमेंट के बारे में वर्कर्स को पता नहीं है क्या? उसके समझाने से वर्कर्स को समझ में आएगा क्या? वो क्या कहेगा, हम क्या सुनेंगे और आगे क्या होगा? तुम्हें कुछ समझाना नहीं है, तुम क्या समझते हो ये मुझे जानना है. बाय द वे आई एम सिद्धार्थ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हेलो सिद्धार्थ. हाउ आर यू सर? आई एम फाइन. चलो. या हाय. कम ऑन कम ऑन. वाओ कितना हैंडसम है ना. सही कह रही हो तुम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड आज हमारे यहाँ एक खास मेहमान आए हैं, सिद्धार्थ. सिद्धार्थ हैज डन हिज बीटेक फ्रॉम खड़गपुर एंड एमबीए फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट.
सिंगापुर में स्पॉन्ज एंड आयन की फैक्ट्री डालकर यंग एंटरप्रेन्योर का इन्होंने अवार्ड जीता है। इसके अलावा इनका पर्सनल इंटरेस्ट मालिक और वर्कर के बीच रिलेशन पर रिसर्च करना है। उनका वो तजुर्बा ये हमारे साथ शेयर करें, इसलिए हमने उन्हें आज यहाँ इन्वाइट किया है। सिद्धार्थ, थैंक यू। हाय एवरीबॉडी। एक कंपनी को सक्सेस करने के लिए मुझे लगता है मालिक और वर्कर्स का रिश्ता दूध और पानी जैसा होना चाहिए। एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट मिलकर साथ चलेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। इस कामयाबी को पूरा करने के लिए हर इंसान को दूसरे इंसान की समझ होना बहुत जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग ही इंसानी रिश्ते की बुनियाद है। तो आप अपने मालिक के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ये जानना है। तो अब श्री कृष्ण ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर कृष्ण कुमार जी से शुरुआत करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। क्या आप लोग अपने बॉस को बहुत चाहते हैं? हाँ सर। तो फिर क्यों चाहते हैं बता सकते हैं? आई मीन इट्स गुड क्वालिटीज। हमारे बॉस बहुत ही अच्छे हैं। मेरे बॉस बहुत डिसेंट है। माय बॉस इज हैंडसम। ये बहुत ही अनुशासित हैं। हमारे बॉस डायनामाइट की तरह हैं। हमारे बॉस दानवीर कर्ण हैं। धर्म में बुद्ध की तरह है। युक्ति में चाणक्य हैं। शक्ति में चंद्रगुप्त है। गुड 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 गुड। इनकी अच्छाइयां तो आपने बयान कर दी, लेकिन आप क्या इनकी बुराइयों के बारे में कुछ बता सकते हैं? इनके अंदर बुराई नहीं है, चेहरे से साफ दिख रहा है। बिना ग्रहण के सूरज की तरह है। He is a perfect man. He is super perfect. Okay, okay. बैठ जाइए। तो क्या इनकी बुराई के बारे में कोई नहीं बता पाएगा? Anybody else? आई एम सॉरी सर, आपके स्टॉक में सारे लोग डरपोक हैं। आप सच में बुद्धू हैं या जीसस क्राइस्ट हैं? हर एक इंसान के अंदर एक बैड क्वालिटी जरूर होती है। यहां पर हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। इसे एक बात साबित हो जाती है कि ये सब लोग आपसे डरते हैं। कोई गलतियां नहीं बता रहा है। नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। बताइए ना। अरे बताइए ना, मैं कोई जालिम हूं क्या? मैं कभी डराता हूं क्या? मेरे अंदर कोई बैड क्वालिटी नहीं है। आप लोग इंसान नहीं है क्या? मेरे अंदर कोई भी बुराई हो तो बताइए, बताइए, बताइए ना। आपको गुस्सा जल्दी आता है सर। गुड। आप अक्सर नर्वस रहते हैं सर। वेरी गुड। वर्क परफेक्ट नहीं होता तो आप भड़कते हो सर। एक्सीलेंट। आप हमेशा मुंह फुलाकर रहते हैं। आप मीटिंग तो बुलाते हैं लेकिन कभी मीटिंग में अपना मुंह नहीं खोलते। गुड मॉर्निंग कहने पर रिस्पॉन्स नहीं देते। आप कभी टाइम पर ऑफिस नहीं आते हैं। शायद आपको घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती होगी। चुप हो जाइए। आज के लिए इतना ही काफी है।
मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। तुम जारी रखो। ओके सर। मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा। श्वेता बेवकूफ है, दिमाग नहीं उसके पास। परिचय तो करवा दिया उस सिद्धार्थ से मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। छी। जी हाँ सर, इसकी क्या जरूरत थी? ये सब करवाने की जरूरत ही क्या थी? बताओ हमें क्या जरूरत थी? हेल्थ डिपार्टमेंट को ये फाइल भेजनी है, यहां साइन कीजिए। हाँ। सर श्वेता को आप समझाइए सर। क्या? वही, ये इंटरेक्टिव सेशन और सिद्धार्थ, इनकी हमें जरूरत नहीं है, वरना आपकी और बेइज्जती होगी सर। हाँ करेक्ट, अगला प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कहता हूँ। डैडी, आज का इंटरेक्टिव सेशन बढ़िया था ना? कितने ब्रिलियंट तरीके से समझाया ना उन्होंने। हाँ बेटा। और आपने भी बहुत एंजॉय किया ना डैडी? हाँ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। बेवकूफ है। अगले सेशन में भी आप मौजूद रहेंगे ऐसा मैंने उनसे कह दिया है। ओके रहूंगा ना। ओके डैड, मैं और सिद्धार्थ लंच करने जा रहे हैं। ओके बेटा जाओ लंच करो। बाय डैड, बाय विशु। अरे ये सब छोड़ो और बताओ साइन कहां करने हैं? ये देखिए सर, यहां और बताओ, आप देख कर दीजिए। आप देख कर दीजिए ना सर, मैं अभी आता हूं सर। अरे अरे लेकिन क्या कह रहे हो? इससे क्या हो गया? श्वेता 3 o'clock बोर्ड की मीटिंग है, सभी लोग आ रहे हैं वहां पर। वो तुम और डैडी मिलकर मैनेज कर लेना। वो बात नहीं है श्वेता, बोर्ड की मीटिंग है ना। विशु मैनेज कर लेना। ओके वैसे क्या तुम भी ज्वाइन करना चाहोगे? जरूरत नहीं है, विशु को और भी काम है। क्यों है ना विशु? बोर्ड मीटिंग है ना, इसलिए नहीं आ सकता, राइट? तुम अपना काम संभालो, हम लंच करके आते हैं। ओके सी यू। जैसा दिल मेरा ये नाजुक पड़ा दिल है मेरा।
जितना मैं चाहूँ तुमको कह न सके दिल ये मेरा वो चलने का वादा करके मुतर गई जाइया में जलते ही छाऊंगी तेरी मंद चलती पता मेरे साड़िया बस मेरी तू यकीन है मुझे आवाज तू बुला ले मुझे मैं दे तू हवा चिंगारी भर के ओ महिया ओ महिया प्यार में दस न जला No! क्या हुआ भाई श्वेता सपने में आई थी क्या नहीं यार सिद्धार्थ आया था श्वेता को वो किस कर रहा था क्या मुसीबत है कैसे कैसे सपने देखते हो ए जाकिर मैं उसे मार डालूंगा जाकिर मैं उसे मार डालूंगा नहीं ए, रुक मार जाकिर मैं उसे मार डालूंगा मेरी बातों से मार डालूंगा मार डालूंगा मैं उसे मार डालूंगा वो सेमिनार कैसे करते हैं देखा ना एक साइकोलॉजिस्ट की तरह डील करते हैं आप दोनों सांप और नेवले की तरह लड़ते रहते हैं किस लिए ये बहुत अहंकारी है लड़ते ही रहता है डायलॉग मत बोलो ये स्टेज नहीं है तुम यहाँ मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो मुझे पता नहीं है क्या तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या बुराई करते हो सही करता हूँ तो गलत बताते हो मेरी हर बात को काटते रहते हो क्यों तुम मेरे बारे में बुराई नहीं करते मेरे घर गृहस्थी खिल्ली उड़ाते हो मेरे हर काम के प्रति क्या यह सच नहीं है क्या सच है ये हर बार मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं मैंने कब तुम्हें नीचे दिखाया ये तुम नहीं कह रहे हो तुम्हारे अंदर की जलन कह रही है चित्तरंजन चुप रहो रिलैक्स रिलैक्स चलो टॉपिक चेंज करते हैं ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है आप दोनों जल्दी तैश में आ जाते हैं आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं दूसरा सेशन चालू कर सकता हूँ मैं तैयार हूँ हर सेशन के लिए मैं भी तैयार हूँ गुड पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए आपके गुरूर और आपकी अकड़ से क्या आपको कुछ हासिल होता है तुम्हारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं और आपको मैं अपनी सारी गलतियां मानता हूं दोबारा नहीं करूंगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गए थे ना तब हम स्कूल में पढ़ा करते थे मैं दिलीप कुमार जैसा दिखता था और ऐसी बात है तो मरती थी तुमने उसके साथ शादी क्यों नहीं की वो बहुत लंबी कहानी है पुरानी जख्म कुरीदना नहीं चाहता मैं तो उसे शादी करना चाहता था लेकिन उसके परिवार वाले वो सब लोग खिलाफ थे क्योंकि मैं उसका बिल नहीं था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया आई एम वेरी सॉरी ब्रदर ये सब जाने बिना ही मैं तुम्हें गलत समझता रहा इट्स ऑल राइट मैं भी तुमसे सॉरी कहता हूँ तुम्हारे कामों को ठेस पहुंचाता रहता हूँ आई एम सॉरी आई एम ऑल्सो सॉरी सॉरी नहीं गले मिलिए तभी आप लोगों का प्यार दोस्ती के लायक होगा वेरी गुड आइडिया शाम को मेरे घर पर डिनर करो चिकन बिरयानी बनवाऊंगा साथ में इंपोर्टेड दारू भी ओके आप भी आ रहे हैं ना ओके कम ऑन अब से हम अपनी नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं यार अरे वाह कितना बढ़िया आइडिया था ना दोनों को आमने सामने बिठाकर किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व किया उनका अनुकार रामिया का सुशीला सना कुमार सुरेश का सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अब हमारे ऑफिस में कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है विशु सब लोग अच्छे फ्रेंड हो गए हैं हर इंसान एक दूसरे से प्यार करे तो कितना अच्छा रहेगा ना किसी को भी दिल में कोई बात नहीं छुपानी चाहिए उससे साइड इफेक्ट होता है आई वॉज राइट अबाउट हिम ना लाइफ के तीन प्रिंसिपल होते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे फर्स्ट चीयर अप एक दूसरे को समझें तो हमेशा मुस्कुराते रहें सेकेंड गिविंग एंड टेकिंग समय के अनुसार जिम्मेदारी पूरी करना काम अगर आपस में बांट लिया जाए तो भार
हल्का हो जाता है। तुमने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया क्या? हो जाएगा श्वेता, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ऑफिस के कलीग्स जहां पर भी मिलजुल के काम करते हैं, वहां के मालिक को यह देखकर बड़ी खुशी होती है, और यह आपका फर्ज है। एकता में ताकत होती है। ऑफिस में लोगों का साथ देना, ये तो मैं अक्सर करता हूं। जिसे नहीं आता है उसे समझाता हूं, हर काम दिमाग से करता हूं। इंसान को इंसान की तरह देखो, कोई वस्तु समझकर नहीं। नौकरों से ज्यादा नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए, टाइम वेस्ट, आपके परिवार की बेइज्जती हो सकती है। आपने जो स्टाफ मेंबर्स को गाइडेंस दिया वो बहुत बढ़िया था। थैंक यू। अच्छा, आपने स्पॉन्ज एंड आयन का बिजनेस छोड़कर ये काम क्यों शुरू किया? ये काम मैं किसी की फिलॉसफी सुधारने के लिए करता हूं, कुछ साबित करना है। मैं जब सिंगापुर में था तो मुझे बेस्ट एंटरप्राइजर का अवार्ड मिला था। मेरे बिजनेस में मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा पार्टनर था। जब मुझे ये अवार्ड मिला तो मुझे बहुत पब्लिसिटी मिली, और ये सब देखकर मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। उसके अंदर जेलसी पैदा हो गई थी और वो मेरे साये से भी दूर भागने लगा था। मेरे लिए फ्रेंडशिप जरूरी थी, और उसके बाद से ही मैं दुनिया को फ्रेंडशिप का पाठ पढ़ा रहा हूं। उसी दिन मैं अपना बिजनेस छोड़ करके इस जगह पे आ गया, अपने देश में। ह्यूमन रिलेशनशिप को सुधारना मेरा मकसद है और मेरा शौक भी। मैं किसी लालच में यह काम नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ एक बात सीखी है, हर इंसान को अपने रिश्ते में कैलकुलेशन जरूर बैठाना चाहिए, वरना इंसानियत मर जाती है, और ये सच है। कैलकुलेशन इज द एसेंस ऑफ लाइफ, तभी जिंदगी में प्यार की गाड़ी चल सकती है। ओह, मुझे देर हो रही है, 30 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है। आई सी यू गाइस, बाय। सो अगली मीटिंग कब करेंगे? थर्सडे। श्योर, सी यू देन। यही है विशु, मेरे सपनों का राजकुमार। That's why I like him. तुम सही कह रही हो श्वेता, चलो देर हो रही है। इंसान को इंसान की तरह देखो, कोई वस्तु समझकर नहीं। इंसान को इंसान समझो, कोई वस्तु मत समझो। जो अच्छा सोचता है उसके साथ अच्छा होता है। खुद का फायदा, खुद की इज्जत देखो, दूसरों की संपत्ति पे नजर मत डालो। अरे तुझ तो दो मालिक, तुझ तो दे दो ना सेठ। अब मैं क्या करूं साहब? मारो। ये क्या है भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं कब मेरा पैर फिसल गया, मास्टर जी की दी हुई शिक्षा भूल गया। मैं बस अपने ही स्वार्थ के लिए जीने लगा था। मुझे देखकर उस निस्वार्थ इंसान की आत्मा रो रही होगी। गलत रास्ते पर चल पड़ा मैं। ऐसे तुमने क्या गलती कर दी भाई? मैं समझाऊं तो भी तू नहीं समझेगा। सिद्धार्थ से मिलने के बाद वापस मुझ में इंसानियत जगी है। अब मैं अपने आप को बदल दूंगा। जाकिर, मेरा दिल भी मुझसे यही कह रहा है, श्वेता के लिए सिद्धार्थ ही अच्छा रहेगा।
रो मत यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुनो, आज से फार्मास्यूटिकल कंपनी का सारा अकाउंट तुम ही देखोगे। ओ अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स ओके। श्रीनिवास जी। हाय विश्वसेन। आज से फार्मास्यूटिकल कंपनी का परमिशन ऑर्डर आप ही संभालोगे। आर यू श्योर? वेरी श्योर। आपकी यही इच्छा थी ना कि आप ही वो काम करें? ऑफ कोर्स। मुझे पता है आप ठीक से संभालोगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। विश्व, ये फाइल जरा चेयरमैन साहब को दे दोगे? इसमें मेरे बहुत सारे आइडियाज हैं। तुम चेयरमैन साहब के बहुत करीब हो, वो तुम्हें ना नहीं कहेंगे। फिर कभी लूंगा। विश्व, मेरी फाइल जरा पहुंचा दो ना भाई। चेयरमैन साहब इस वक्त बहुत बिजी हैं, सही वक्त देकर मैं पहुंचा दूंगा। आज तो ये फाइल पहुंचा दो ना उनके पास। सॉरी सर, फार्मास्यूटिकल कंपनी के काम में मैं इस वक्त बहुत बिजी हूं। फैंटास्टिक, इतने अच्छे आइडियाज तुम्हारे पास थे, तुमने बताया क्यों नहीं? वो सर क्या है ना कि मैं अरे बैठो बैठो बैठो। इसलिए कि वो खुद यहाँ आने के लिए घबरा रहे थे, मैं उन्हें यहाँ ले आया हूँ। तुम्हें साथ लाने की क्या जरूरत थी, या खुद नहीं आ सकते थे? कहीं मेरा झूठ पकड़ाना चाहे, इसलिए मेरा डर ही मुझे अंदर से सता रहा था। ह्यूमन रिलेशनशिप हमारे ऑफिस में अच्छे से चल रहा है ना? एक काम कीजिए चित्रंजन जी, अगले हफ्ते होने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आप भी आएंगे सर, मेरे पर्सनल एडवाइजर बनके। सर थैंक यू, सर थैंक यू वेरी मच सर। डर की वजह से महीने में 10-15 दिन मत मिला करो सर, बल्कि रोज मिला ठीक है सर, मैं रोज मिलूंगा। रोजाना सुबह 10 बजे की चाय, 12 बजे की चाय और शाम की 5 बजे की चाय तुम मेरे साथ ही पियोगे मेरे केबिन में बैठकर। बिल्कुल सर। और अपनी बातें तुम मुझसे शेयर करोगे? यस सर। बैठो बैठो। टाइम भी मिस नहीं करूंगा सर। ये तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते सर, बहुत ही पंचुअल है सर। अब हमें जीएम को ढूंढने के लिए बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है। बोलो श्वेता। विशु, तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? क्या बात है श्वेता? अर्जेंट है। क्या हुआ श्वेता? ये लेटर पढ़कर देखो। सिद्धार्थ एक नंबर का लोफर है, कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है उसने, अब वो तुम्हें अपनी जाल में फंसाने जा रहा है। कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना। मैं नहीं चाहती कि ये तुम्हारे साथ भी मेरे जैसा व्यवहार करे। तुम्हारी शुभचिंतक राशि। ये सब क्या है विशु? कब आया ये लेटर? अभी अभी। तुम उसे चाहती हो ये बात मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, तो फिर ये लिखा किसने? किसने लिखा है वो बात छोड़ो विशु, इसमें क्या लिखा है वो बात सोचो। सोचने वाली क्या बात है, तुम एक ब्रॉड माइंडेड हो, उसी तरह सोचो ना। मैं उसी तरह सोच रही हूँ विशु, पर ये लेटर मुझे कुछ और सोचने में मजबूर कर रहा है। ये दूसरी बार हुआ है, उस दिन शॉपिंग मॉल में ऐसा ही हुआ था, और आज ये। I'm so confused, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन शॉपिंग मॉल में जो भी हुआ वो सब एक गेम था। ये लेटर भी गलत है। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो विशु? मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ, इसलिए मैंने बताया नहीं। सिद्धार्थ बहुत ही अच्छा इंसान है, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे कह रहा है। सच श्वेता। तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा, दिल में भूल से भी कोई गलत फहमी मत लाना। तुम्हारा मन चाह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तुम सच कह रहे हो ना विशु? सच
सिद्धार्थ गलत नहीं है, यह मैं साबित करके रहूंगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं ही ढूंढ कर लाऊंगा, यह मेरा वादा है। बात है विशु, पिंक लेटर लेकर कहाँ जा रहे हो? गर्लफ्रेंड को देना है क्या? ये लेटर एक लड़की ने भेजा है। लड़की ने? कैसे पता चला? पता चल गया है, मैं उसे ट्रैक करूंगा। माधवपुर पोस्ट ऑफिस। श्वेता, ये लेटर माधवपुर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट हुआ है जो शहर से बाहर है। इंक्वायरी करने के बाद पता चला है कि ये बोटानिकल गार्डन के पास से पोस्ट हुआ है। मेरे हिसाब से जिसने भी ये लिखा है वो दोबारा फिर से लिखने की जरूर कोशिश करेंगे, इसलिए मुझे वहां रोज जाकर इंतजार करना होगा। इस कलर का कोई भी लेटर पोस्ट नहीं हुआ है। थैंक यू सर। श्वेता बी पेशेंस, मैं पोस्ट बॉक्स जाकर रोज इंतजार करता हूं। आज भी कोई लेटर नहीं आया सर। फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल कोई ना कोई जरूर आएगा। प्लीज वो कौन है जल्दी पता करो विशु, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कर रहा हूँ श्वेता, मुझे सच्चाई जाननी है। सर, पिंक कलर का एक लेटर है। आधे घंटे तक मैं यहीं था, कोई नहीं आया था। तुम्हारे यहाँ से हटते ही लेटर डालकर पार्क के तरफ गई है। कौन सी ड्रेस पहनी हुई है? सफेद रंग की। पोस्ट करने वाली मैं हूं। इसका मतलब सिद्धार्थ को तुम नहीं चाहती हो, मुझे चाहती हो। तुम मुझसे प्यार करते हो मैं ये जानती हूं विशु। तुमने आज तक अपने प्यार का मुझसे इजहार नहीं किया। मैं तुम्हारे मुंह से वो अल्फाज सुनना चाहती हूं विशु। तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा, अच्छे घर का रिश्ता ले आया। राकेश का वो ड्रामा किस लिए था? वो भी तुम्हें बहुत चाहता है श्वेता। इस वक्त श्वेता का फुल फोकस मेरी तरफ है। अपना फोकस तुम पर कायम रखने के लिए मैंने भी प्लान बनाया और फोकस किया। मैंने शीला को कॉल किया। हम एक दूसरे को जानते तो नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। रेस्टोरेंट में तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया मैं समझ नहीं पाई। तो और क्या करती, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और से शादी करता और मैं देखती रहती। मैं उससे शादी करने वाली हूँ ये बात तुमसे किसने कही? एक लड़की ने फोन किया था। लड़की ने? तुम उसका नंबर मुझे दे सकती हो? वो फोन रामिया ने किया था और वो फोन तुमने करवाया था, मैं ये जान गई थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड कितना बदल गया है। मुझे माफ कर दो श्वेता, I'm sorry।
उस लेटर के बाद विश्व बहुत बदल गया था, ये बात मैं जान चुकी थी। ये लेटर हम दोनों को एक दूसरे से दूर ले जा रहा था, जबकि सिद्धार्थ के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। सिद्धार्थ से मुझे इस बारे में कोई शिकायत बिल्कुल नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। फिर भी जाने क्यों, मुझे विश्व पर बहुत गर्व है। मुझे उस पर गर्व क्यों है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। एक अनजान इंसान को मैंने विश्व के सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि मेरा विश्व संभल जाए, क्योंकि विश्व बदल चुका था, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरा बेस्ट फ्रेंड विशु बचपन में बहुत सीधा साधा और प्यारा था, बहुत भोला, जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकती। और बरसों बाद में जिस विशु से मिली वो कितना बदल गया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे उसे बदलना होगा, मैं उसे बदल दूंगी, मुझे मेरा विशु वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई विशु बैक, आई लव हिम, आई लव हिम अ लॉट। ये मैं उस समय समझ नहीं पाई थी, जब मैं कनाडा गई तो मैंने उसे बहुत मिस किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जाओ श्वेता। अरे कनाडा में भी वो हर वक्त मेरे ख्यालों में रहता था, सिर्फ उसके लिए मैं इंडिया वापस लौटी। इतने सालों बाद भी मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। ये ख्वाब है या सच है ये मैं जानू ना, तुम पास हो मेरे साथ हो आए अकेला। ये ख्वाब है या सच है ये मैं जानू ना, तुम पास हो मेरे साथ हो आए अकेला। तुम हो ना मेरे, तुम हो ना, तुम ना। वैशाख जाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो अभी भी मुझे बहुत चाहता है। मैं भी उसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। उसे पाकर मैं बहुत खुश थी। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, विशु का बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैंने उसको बदलने के लिए ये सब कुछ किया। मेरा विश्व अब बदल गया है, माय विश्व इज बैक। बेचारा अंदर से वो कितना दुखी हो गया है। विश्व, 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 विश्व। आई एम सॉरी श्वेता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। विशु, विशु, तो फिर मेरे पास क्यों आए थे मुझे दूर जाने के लिए? मैं कितने सालों तक तुमसे दूर रही, अब तुमसे दूर नहीं रह सकती विशु, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विश्व तुम्हारा वो बदला हुआ रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तुम नहीं जानते विश्व मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जिंदगी में जाने अनजाने में बहुत तूफान आते हैं विश्व, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही बहुत कुछ हुआ, फिर भी मन की बात नहीं कह सकी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ये ख्वाब है या सच है ये मैं जानू ना, तुम पास हो मेरे साथ हो आए यकीना। ये ख्वाब है या सच है ये मैं जानू ना, तुम पास हो मेरे साथ हो आए यकीना।